तो ये है तुम्हारा मोस्ट हॉन्टेड स्कैरी हाउस, जिसे दिखाने के लिए तुमने मुझे आज सुबह 6 बजे ही उठा लिया था। अपने बॉयफ्रेंड शिखर के साथ हॉन्टेड हाउस देखने आई शायना ने कुड़ते हुए कहा। ये सुनते ही शिखर ने थोड़ा झेपते हुए कहा, तुम ही तो हॉन्टेड प्लेस देखने के लिए क्रेजी रहती हो, तो मैंने सोचा आज वैलेंटाइन डे पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह दिखाता हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ भूत नहीं दिखेंगे। ये सुनकर शायना और चिढ़ गई और बोली, मैं भूतिया जगहों के लिए क्रेजी हूँ, इस बोरिंग कॉमेडी के लिए नहीं। ये कहते ही शायना ने दीवार पर लगे कागज से बने राक्षस के सर को उखाड़ कर फाड़ दिया और बोली, इस कबाड़ को दिखाने के लिए तुम मुझे सुबह सुबह देहरादून से 30 किलोमीटर दूर लेकर आए हो। शिखर चुप था। जिस कॉरिडोर में शायना और शिखर चल रहे थे, उस कॉरिडोर के चारों तरफ से हल्का धुआं निकल रहा था और डरावने म्यूजिक की आवाज भी आ रही थी, लेकिन शायना को ये सब बहुत बचकाना लग रहा था। तभी कंट्रोल रूम में मॉनिटर कर रहे ध्रुव रस्तोगी, जो कि इस स्कैरी हाउस का ऑनर भी था, उसके चेहरे पर टेंशन के एक्सप्रेशन आ गए और जब उसने शायना की बातें सुनी तो उसने तुरंत माइक पर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिया, और स्कैरी म्यूजिक लगाओ, वॉल्यूम तेज करो, स्मोक और ज्यादा बढ़ाओ, एंड तानिया एक्शन। ध्रुव की आवाज में निराशा साफ महसूस की जा सकती थी। उसके कहने के बाद भी बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट माहौल को स्केरी बनाने में फेल हो रहे थे। कॉरिडोर के दोनों तरफ बने कमरों में डराने के लिए कुछ लकड़ी, कागज और मेटल के बने मुखौटे, तलवारें और कठपुतलियां भी रखी हुई थी। ये सब देखकर शायना और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और बोली, क्या बकवास जगह है, फालतू में तुमने मेरा आज का दिन खराब कर दिया। ये कहते ही वो पीछे मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखने लगी और शिखर वहां नहीं था। तभी एक लड़की की चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर शायना पीछे मुड़ी और उसने देखा एक जॉम्बी लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसके पूरे चेहरे से खून टप टप टपक रहा था। पूरे घर से बहुत तेज डरावनी आवाजें आ रही थी। वो जॉम्बी लड़की तेजी से शायना की तरफ आई, लेकिन शायना अपनी जगह पर बिना हिले खड़ी रही और जैसे ही जॉम्बी लड़की उसके पास पहुंची, शायना ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या मजाक बना रखा है और हॉरर के नाम पर इस तरह बेवकूफ क्यों बना रहे हो। बोलकर शायना बाहर की तरफ निकल गई। उधर कंट्रोल रूम में ध्रुव बोल पड़ा, व्हाट द हेल, अभी तक लोग गुस्सा होकर जा रहे थे, अब तो मार खाने की भी नौबत आ गई है। ध्रुव जल्दी से बाहर भागा। दूसरी तरफ शिखर भी शायना के पास पहुंच गया। वहां शायना गुस्से में जॉम्बी लड़की पर चिल्लाकर बोली, बंद करो ये डराने के नाम पर लोगों को लूटना, मुझे तुम्हारे मैनेजर से अभी मिलना है, अभी की अभी। ये कहते हुए वो बाहर बरामदे में आ गई। ध्रुव घबराया सा बरामदे की तरफ दौड़ा। ध्रुव को देखते ही जॉम्बी लड़की ने कहा, सर ये आपसे मिलना चाहती है। ध्रुव को देखते ही शायना ने कहा, अच्छा ओह तो तुम यहाँ के मैनेजर हो, इसे तुम स्कैरी हाउस कहते हो, तुम हमें बच्चा समझ रहे हो क्या, इंटरनेट पर जाकर देखो, तुमसे अच्छा तो आजकल के छोटे बच्चे डरावनी वीडियो बना लेते हैं। एक काम करो, तुम यहाँ एक बोर्ड लगा दो, स्कैरी हाउस फॉर चिल्ड्रन अप टू 6, क्योंकि कोई बड़ा इंसान तो इस घर में डरने से रहा। शायना की बात सुनकर ध्रुव को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने कहा, मुझे अफसोस है कि अभी ध्रुव की बात पूरी भी नहीं हुई कि शायना उस पर बरस पड़ी। अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे पैसे वापस करो और इस घटिया हॉरर हाउस को बंद करो। शायना की जली कटी बातें सुनने के बाद भी ध्रुव ने हिम्मत की और बोला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, शिखर ने तेज आवाज में कहा, हमारे पैसे वापस करो,
तुम्हारी वजह से हमारा वैलेंटाइन डे खराब हो गया। तभी वहां स्केरी हाउस घूमने आए कुछ और लोगों ने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। ध्रुव ने कहा, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये हाउस सच में हॉन्टेड है, मेरा यकीन करिए। लेकिन वहां मौजूद हर कस्टमर समझ चुका था कि ध्रुव का हाउस हॉन्टेड नहीं था। कोई चारा नहीं देखते हुए ध्रुव ने सबके पैसे वापस लौटा दिए। आप लोग यहाँ क्या टाइम बर्बाद करने आए हो, इससे अच्छा तो बाहर कहीं नुक्कड़ में मदारी का खेल देख लो, लेकिन यहाँ टाइम और पैसा बर्बाद मत करो, मत करो। इतना कहकर शायना शिखर और बाकी के कस्टमर के साथ बाहर निकल गई। उदास ध्रुव बरामदे में रखे बेंच पर ही बैठ गया। तब ध्रुव ने तान्या, जिसने जॉम्बी वाला मेकअप किया था, से बोला, अभी तक मैं 10 लोगों को पैसे वापस कर चुका हूं, अब ऐसे तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तभी वहां ध्रुव का असिस्टेंट कुलदीप आ गया और थोड़े गुस्से से ध्रुव से बोला, सर आज भी कस्टमर वापस लौट गए, इस तरह हमारी सैलरी कहां से आएगी, 3 महीने हो गए बिना सैलरी के काम किए, लेकिन मैं अब और फ्री में काम नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा इस घर को एक हॉन्टेड हाउस के रूप में प्रमोट करने के लिए। तब कुलदीप ने कहा, ठीक है, जब आपका हाउस एक हॉन्टेड हाउस के रूप में स्टैब्लिश हो जाए तब मुझे बुला लीजिएगा, और हाँ जितना जल्दी हो सके मेरा बकाया पैसा मुझे दे दीजिएगा, मैं अभी के अभी काम छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में ध्रुव के हॉन्टेड हाउस में काम करने वाले 4 और स्टाफ काम छोड़कर चले गए। देहरादून में पले बड़े 24 साल के ध्रुव रस्तोगी का बचपन इसी हॉन्टेड हाउस में गुजरा था। उसके माता पिता देहरादून के आसपास के खाली मकान को किराए पर लेकर उसे हॉन्टेड हाउस का रूप देते थे और लोग टिकट लेकर उस हॉन्टेड हाउस को देखने जाते थे, यही उनका बिजनेस था। लेकिन बड़े होने पर ध्रुव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली और मुंबई चला गया। फिर एक दिन उसके चाचा ने बताया कि उसके मम्मी पापा गायब हो गए, तब वो उन्हें ढूंढने वापस देहरादून आ गया। लेकिन 6 महीने गुजर गए और ध्रुव और पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी उसके मम्मी पापा नहीं मिले। इन 6 महीनों में ध्रुव की लगभग सारी सेविंग्स खत्म हो गई और उसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे कांडली गांव के पास के जंगल में बने इस हाउस के चारों तरफ घने जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था, इसलिए ध्रुव ने एक बार फिर से अपने मम्मी पापा के बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसका हर रोज नाकामयाबी से सामना हो रहा था। तभी तानिया ने कहा, तो लंच का टाइम हो गया है। तानिया की बात सुनकर ध्रुव ने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे भूख नहीं है और मैं तुम्हें भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम भी जा सकते हो। तुरंत ही तानिया ने कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, 4 साल तक कॉलेज में आपकी जूनियर रही हूं और आपको हमेशा जीतते देखा है, तो इस बार भी आपको हारते हुए नहीं देख सकती मैं हारते हुए आपको। असल में तानिया के मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके थे और उसके मामा ने उसको पाला था, लेकिन पिछले 1 साल से तानिया का मामा उसके पीछे पड़ा था कि वो एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी कर ले, क्योंकि वो बूढ़ा अमीर आदमी तानिया के मामा को बदले में बहुत पैसे देने वाला था। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी ने जब से दूध की गोरी लंबी और खूबसूरत तानिया को देखा था तब से वो उससे शादी करने के सपने सजा रहा था। इसलिए जब तानिया को उसके कॉलेज सीनियर ध्रुव रस्तोगी ने इस जॉब की ऑफर दी तो वो तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि यहां वो सेफ थी और उसे पता था कि उसके मामा उसे यहां कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ध्रुव बिना कुछ कहे तानिया का चेहरा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसों के वो कितने दिनों तक इस बिजनेस को चला पाएगा, शायद उसे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तभी तानिया ने कहा, सर खाना खाने चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ना चाहते हुए भी ध्रुव तानिया के साथ कंट्रोल रूम की ओर बढ़ चला। अभी तक
ध्रुव और उसके सारे साथी इसी हॉन्टेड हाउस में रहते थे और सुरेश नाम का एक सर्वेंट उन सब के लिए खाना बनाता था। लेकिन सैलरी नहीं मिलने की वजह से सुरेश भी एक दिन पहले काम छोड़कर जा चुका था, इसलिए अब खाना बनाने की जिम्मेदारी भी तान्या ने अपने ऊपर ले ली थी। कंट्रोल रूम जाते हुए ध्रुव बहुत निराश हो चुका था। वो सोच रहा था 6 महीने हो गए लेकिन मम्मी पापा का कुछ नहीं पता चला। मम्मी पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी मनमानी की। और आज जब मैं उनके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मेरा साथ देने के लिए वो दोनों यहां नहीं है वो दोनों मेरे पास। तभी अचानक तान्या जोर से चिल्लाई, सर वो वहां क्या है सर? ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो पाया कि कॉरिडोर के आखिरी छोर पर दो रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थी, लेकिन वहां काफी अंधेरा होने की वजह से साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। ध्रुव ने अपनी नजरें उठाकर अपने पुराने और ब्रिटिश जमाने के बने हुए घर को देखा, फिर वो धीरे से बोला, शायद अंधेरे की वजह से गलत फहमी हुई होगी तान्या को। ध्रुव कंट्रोल रूम पहुंच गया, तभी तान्या भी अपना मेकअप साफ कर खाना लेकर वहां आ गई। खाना खाते हुए तान्या ने कहा, सर कल जो आपके ऑफिस से लेटर आया था उसके लिए आपने क्या डिसाइड किया? ध्रुव ने खाने की बाइट अपने मुंह में रखते हुए कहा, अगर मैं इस हफ्ते रिपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं इस नौकरी को हमेशा के लिए खो दूंगा। 6 महीने से ज्यादा की लीव थोड़ी मिलती है। असल में ध्रुव को हैंडीक्राफ्ट का हुनर विरासत में मिला था, इसलिए जब उसने खिलौना डिजाइनिंग में डिग्री की तो उसे एक बड़ी कंपनी में तुरंत नौकरी का ऑफर मिल गया था। और हमेशा ध्रुव की जिद मानने वाले उसके मम्मी पापा ना चाहते हुए भी उसे मुंबई भेजने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि ध्रुव की अच्छी हाइट, एथलीट बॉडी और गुड लुक्स के कारण कई बार लोगों को लगता था कि वो मुंबई फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए गया है, लेकिन ध्रुव को सिर्फ अपने काम से प्यार था और वो था डिजाइनिंग का काम। तभी तान्या ने कहा, सर क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस अपनी नौकरी पर लौट जाना चाहिए। इतने महीने गुजर गए, मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला और ये बिजनेस भी पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है, तो यहां रुककर मैं अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तभी तान्या ने कहा, मुझे लगता है हमें कुछ और बिजनेस स्ट्रैटेजी ट्राई करनी चाहिए। फिलहाल ध्रुव इस टॉपिक पर और बात करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, तुम खाना खाओ, मैं पानी लेकर आता हूं। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई जिसे सुनकर वो दोनों चौंक गए। ध्रुव दौड़ता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने देखा कि कॉरिडोर के कोने में रखे पानी का घड़ा नीचे गिरा हुआ था और टूटे हुए घड़े के बीच से पानी बह रहा था। ध्रुव ने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ही वो पानी लेने के लिए उठा उसी वक्त पानी का घड़ा अपने आप नीचे गिरकर कैसे फूट गया। फिर कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए ध्रुव पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो थोड़ी दूर से उसने तान्या को किचन से निकलकर जाते हुए देखा। ध्रुव समझ गया कि तान्या किचन से पानी लेकर कंट्रोल रूम गई है और ध्रुव किचन में बिना गए कंट्रोल रूम पहुंच गया। ध्रुव को देखते ही तान्या ने कहा, सर पानी लाएं, मुझे बहुत प्यास लगी थी। और बाहर की आवाज हुई थी? तान्या की बात सुनकर ध्रुव शॉक्ड रह गया। अगर तान्या किचन से पानी लेकर नहीं आई तो वो कौन थी और पानी का घड़ा किसने गिराया? तान्या के दोबारा पूछने पर ध्रुव ने बात बदलते हुए कहा, पता नहीं, शायद कोई चूहा होगा जिससे टकराकर घड़ा गिर गया होगा। लंच खत्म होने के बाद ध्रुव ने तान्या से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, यहां सब मैं समेट लूंगा। तान्या थोड़ी हैरान थी, उसे ध्रुव का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई।
उस बड़े से हाउस के पिछले भाग में स्टाफ क्वार्टर बना हुआ था, जहाँ सबके काम छोड़कर जाने के बाद तान्या अकेली रहने वाली थी। उसके जाते ही ध्रुव हाउस के बीचों बीच बने आंगन में बैठ गया। अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर ध्रुव के दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ था। तभी अचानक उसे तीसरी मंजिल की खिड़की से आती हुई एक तेज आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर ध्रुव दौड़ता हुआ थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही ध्रुव उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आई थी, तो उसने देखा कि दरवाजे के पास एक पन्ना फड़फड़ा रहा था। ध्रुव ने हैरानी से उस पन्ने को उठाया तो उस पर लिखा था, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये पढ़कर सर्दियों के मौसम में भी ध्रुव पसीने से तर बतर हो गया। घबराकर ध्रुव ने उस पन्ने को जमीन से उठाया और हैरानी से चारों तरफ देखकर सोचने लगा, इस बात का क्या मतलब है, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ध्रुव को कमरे में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, वहां कोई भी नहीं था। ध्रुव ने मन ही मन सोचते हुए कहा, शायद ही लिखावट तब की होगी जब मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते थे और शायद उन्होंने कभी अपने बिजनेस के पर्पस से मैसेज लिखा होगा, जो दरवाजा खुलने से हवा के कारण उड़कर दरवाजे के करीब आ गया। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ ध्रुव वापस नीचे की मंजिल की तरफ लौटने लगा। लेकिन ध्रुव के उस कमरे से निकलते ही उस कमरे के चारों तरफ से एक लड़की की हल्की आवाज आने लगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन इस बात से अनजान ध्रुव तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। शाम होते ही उस इलाके में ठंड तेज हो जाती थी, लेकिन फिर भी ध्रुव बाहर आकर लॉन में बेंच पर बैठ गया। अचानक ध्रुव की नजर दूर बने हुए मेन गेट पर पड़ी और उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके हाउस के पुराने गेट को पूरी ताकत के साथ खोल रहा था। ये देखकर ध्रुव हैरान रह गया, क्योंकि धुंध की वजह से उसे दूर से उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान होकर ध्रुव ने अपने आप से कहा, अब इस वक्त यहाँ कौन आ रहा है। जैसे ही वो अधेड़ उम्र का आदमी गेट के अंदर आया, ध्रुव ने उसे पहचान लिया। वो ध्रुव के चाचा गोपाल रस्तोगी थे। गोपाल ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। गोपाल ने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, ध्रुव बेटा कैसे हो। ध्रुव ने तुरंत उठकर गोपाल के पांव छुए और बोला, प्रणाम चाचा जी, आप अचानक यहाँ कैसे, आइए बैठिए। गोपाल ध्रुव के बगल में बैठ गए, लेकिन अभी भी ध्रुव का ध्यान उसके हाउस की तीसरी मंजिल पर ही था। ध्रुव के चाचा गोपाल रस्तोगी ने ही ध्रुव को उसके माता पिता के गायब होने की खबर दी थी और उसे मुंबई से वापस यहां बुलाया था। साथ ही वो ध्रुव के इस पुश्तैनी हवेली के दूसरे हिस्सेदार भी थे। उन्होंने सोचा था कि ध्रुव मुंबई से वापस आकर इस घर को बेच देगा और उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जब ध्रुव ने इस घर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, तो उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अब गोपाल को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ध्रुव का बिजनेस नहीं चलेगा, इसलिए वो इस बारे में ध्रुव से बात करने आए थे। गोपाल ने ध्रुव से कहा, तो अब तुमने क्या सोचा है, और तुम्हारी मम्मी पापा तो हर महीने मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करते थे, पर जब से तुमने इसे संभाला है मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, पर मैं भी मजबूर हूं। मैंने अपने बिजनेस के लिए एक लोन ले रखा है, जिसकी ईएमआई के पैसे मैं इसी घर की कमाई से भरता था, पर अब मेरे लिए वो ईएमआई मुसीबत बन गई है। गोपाल की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, चाचा जी आप तो जानते हैं मम्मी पापा के लापता हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, और यहाँ रहने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ रखी थी, इसलिए इन 6 महीनों में मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं।
ये सब सुनकर गोपाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं, आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा। वैसे भी अब तुम 24 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करो। तुम वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वैसे भी जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, तो उस बात के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने चाचा की बात सुनते ही ध्रुव का चेहरा उतर गया और वो मायूसी से बोला, चाचा जी बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम, मैं आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दूंगा और फिर मेरे पास मम्मी पापा की यही एक निशानी तो बची है। इतना कहकर ध्रुव ने गोपाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर चुप रहकर गोपाल ने कहा, ठीक है पर जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ समय और दे रहा हूं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो इसे बेचना ही हमारे लिए आखिरी उपाय होगा। जैसे ही गोपाल ने दोबारा घर को बेचने की बात कही, उसी वक्त अचानक तीसरी मंजिल की खिड़की का कांच टूटकर नीचे गिर गया। घबराकर गोपाल और ध्रुव ने ऊपर की तरफ देखा और उन्हें लगा कि खिड़की के पीछे से कोई छाया गुजर गई। कांच के टूटे हुए टुकड़े तेजी से नीचे गिरने लगे। ये देखकर गोपाल और ध्रुव तुरंत उठकर अपनी जगह से भागे, क्योंकि उनकी बेंच उस खिड़की के नीचे लगी हुई थी। ध्रुव हैरानी से अभी भी खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन अब वहां कोई छाया नहीं दिखाई दे रही थी। तभी गोपाल ने बेचैनी से कहा, देखो ध्रुव बेटा, अब तो इस घर की खिड़की के दरवाजे भी टूटकर गिरने लगे हैं। लेकिन ध्रुव ने गोपाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपाल ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं जानता हूं इस घर के साथ तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। पहले इस हवेली की चर्चा दूर दूर तक थी, लोग इस हवेली को देखने आते थे, लेकिन आज इसे कोई देखना नहीं चाहता। ब्रिटिश जमाने में बनी खूबसूरत लाल रंग की ये हवेली अब अपना रंग खोने लगी है, और जिसके कारण अब ये एक भूतिया हवेली लगती है। ये बात और है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता, तभी तो तुम्हारा बिजनेस बंद होने की कगार पर है। गोपाल की बात खत्म होते ही अचानक लॉन की सारी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। गोपाल और ध्रुव हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। अचानक से धीरे धीरे हवाएं चलने लगी, पेड़ों के सूखे पत्ते फड़फड़ाने लगे, मौसम में भी बदलाव होने लगा और वहां का माहौल काफी डरावना हो गया। ये सब देखकर गोपाल और ध्रुव के चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए। तभी ध्रुव ने कहा, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, अब मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही ध्रुव मेन स्विच की तरफ आगे बढ़ा, बत्तियां फिर से जल उठी और उनका जलना बुझना रुक गया। गोपाल जब से आया था तब से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और बोला, मैं अभी जाता हूं, तुम इस बारे में सोचकर बताना। ध्रुव ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। गोपाल के जाते ही ध्रुव एक बार फिर नए सिरे से आज दिन भर में घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव के मोबाइल पर तान्या ने कॉल करके पूछा, सर मैं खाना लेकर आऊं? ध्रुव अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी भूख मर चुकी थी, इसलिए उसने कहा, नहीं अब मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तान्या को फोन रखने के बाद ध्रुव ने एक बार फिर से तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया और फिर बिना एक पल सोचे वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ध्रुव जानता था कि इस मंजिल पर उसके पेरेंट्स रहते थे और इस फ्लोर के बाकी के सभी कमरों को उसके मम्मी पापा स्कैरी हाउस के पुराने सामान को रखने के लिए स्टोर की तरह इस्तेमाल करते थे। आज ध्रुव अपनी पुरानी यादों की गलियों में एक बार फिर से घूमना चाहता था, इसलिए वो तीसरी मंजिल पर गया था। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में आज जो हुआ था उसके बारे में छानबीन करने की उत्सुकता थी और इसलिए वो तीसरी मंजिल पर आया था।
तीसरी मंजिल के सारे कमरों में घूमते हुए जब ध्रुव अपने मम्मी पापा के कमरे के पास पहुंचा तो उसे उसके बचपन के दिनों की याद आ गई और वो सोचने लगा, कितने दिन हो गए मुझे इस कमरे को देखे हुए। जब 6 महीने पहले मैं यहाँ आया था तभी इस कमरे को देखा था। सोचते हुए ध्रुव ने अपने पेरेंट्स का कमरा खोला। शाल की पुरानी लकड़ी से बना दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही ध्रुव को सीलन की तेज गंध आई। ध्रुव ने एक नजर कमरे में चारों तरफ घुमाई, पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। कोने में एक बेड था, एक छोटा सा स्टूल, साथ में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा और कमरे में फैला हुआ बहुत सारा सामान। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहां छानबीन करने गया हो। लेकिन एक बात और वहां गौर करने वाली थी कि वो पूरा कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कि उसकी अच्छे से सफाई की गई हो। ध्रुव हैरान था क्योंकि 6 महीने से ये कमरा बंद था, लेकिन कमरे के अंदर धूल का नामो निशान नहीं था और उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई इस कमरे में रहता हो। हैरान ध्रुव स्टूल पर बैठ गया और कमरे में रखे पुराने लकड़ी के बक्से को खोलने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस बक्से को खोला, एक पुरानी सी दिखने वाली लकड़ी की गुड़िया उछलकर ध्रुव की गोद में आ गई। ध्रुव उसे देखकर चौंक गया। ध्रुव ने गुड़िया को हाथ में लिया, उसे याद आया, ये गुड़िया तो मैंने ही बनाई थी और इसे देखकर मम्मी पापा कितने खुश हुए थे, बहुत ज्यादा। बचपन में ध्रुव उस गुड़िया को बहुत प्यार करता था और हर वक्त उसे अपने साथ रखता था। ध्रुव गौर से उस गुड़िया को देख रहा था। तभी अचानक ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। एक पल के लिए ध्रुव एकदम से चौंक गया। फिर ध्रुव ने जब दोबारा गुड़िया को देखा तो गुड़िया के चेहरे के एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे। ध्रुव ने गुड़िया को वहीं बिस्तर पर रख दिया और सोचने लगा, लगता है कि इस घर को एडवेंचरस बनाने के लिए मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया है कि अब मुझे खिलौने भी हरकत करते हुए नजर आने लगे। ये सोचकर ध्रुव खुद पर हंसा और कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक ध्रुव को धड़ाम की तेज आवाज सुनाई पड़ी और वो एक झटके से पीछे मुड़ गया। ध्रुव ने देखा कि तेज आवाज के साथ उसकी मम्मी की लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई थी और उस खुली हुई अलमारी से ध्रुव की मां का शादी का लाल जोड़ा झांक रहा था। पहले तो ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि ये अपने आप हो गया हो, लेकिन फिर ध्रुव को लगा कि शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा हो उसे कुछ बताने का। ये सोचकर ध्रुव अलमारी के नजदीक चला गया और उसने अपनी मां की शादी का लाल जोड़ा निकाल लिया। जैसे ही ध्रुव ने वो ड्रेस बाहर निकाली, उसमें से काले रंग का मोबाइल फोन निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव ने उस फोन को उठा लिया और सोचने लगा, अरे ये तो मम्मी का फोन है जिसे वो मुझे कभी छूने नहीं देती थी। देखो तो अभी भी फोन कहां छुपा कर रखा है, उनकी शादी के कपड़ों में, जहां कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मम्मी ने हाईटेक फोन खरीदा तो उस पुराने फोन को अपनी शादी के कपड़ों में छुपा दिया ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। ये सोचकर ध्रुव ने फोन को अपने हाथों में दबाया और अपने आप से बोला, ये फोन तो बंद पड़ चुका है और ये सेट इतना पुराना हो चुका है कि अब उसकी मरम्मत भी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं, मम्मी की याद में हमेशा इसे संभाल कर रखूंगा जैसे उन्होंने रखा। फिर ध्रुव ने उस फोन को अलमारी में वापस रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचा, ध्रुव को एक तेज वाइब्रेशन की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि पूरा कमरा ही हिल गया हो। ध्रुव तेजी से कमरे में वापस लौटा और उसने कमरे में चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी ध्रुव की नजर बिस्तर पर रखी गुड़िया पर पड़ी और एक बार फिर ध्रुव को ऐसा लगा
जैसे कि गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। अब ध्रुव को ऐसा लगने लगा जैसे कि वो पागल हो जाएगा। ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी एक बार फिर से वाइब्रेशन की तेज आवाज आने लगी। अब ध्रुव को समझ में आ गया कि वो वाइब्रेशन की आवाज उसकी माँ की अलमारी से आ रही थी। ध्रुव ने लपक कर अलमारी खोली। अलमारी के खुलते ही ध्रुव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ का सालों पुराना बंद पड़ा हुआ फोन वाइब्रेट कर रहा था। हैरानी से ध्रुव ने फोन को अपने हाथ में लिया और देखा कि फोन की स्क्रीन पर उसके बड़े से घर की पिक्चर वाली आइकॉन ब्लिंक हो रही थी। ध्रुव के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। उसकी माँ का इतना पुराना बंद पड़ा फोन अचानक ऑन कैसे हो गया था। ध्रुव हैरान था कि उसकी माँ का बंद पड़ा फोन अचानक वाइब्रेट कैसे कर रहा था। उस फोन को तो न जाने कब से चार्ज भी नहीं किया गया था। कुछ सेकंड तक ध्रुव उस फोन को बिना पलक झपकाए देखता रहा। फिर उसने हिम्मत की और फोन की स्क्रीन पर ड्रैग किया। जैसे ही ध्रुव ने ड्रैग किया, फोन पर एक गेम आइकन दिखा और वो आइकन कुछ और नहीं बल्कि उसके ही हाउस की पिक्चर थी। ध्रुव को लगा जैसे कि उसका दिमाग सुन हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फोन को वापस रखने ही वाला था कि तभी फोन से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। जैसे ही ये आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी, उसने हैरत से फोन की तरफ देखा। फिर ध्रुव ने देखा कि फोन के ऊपर लिखा था, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाज आई, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक गेम खेलना होगा और जीतने पर इनाम भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग अलग लेवल्स पार करने होंगे। ध्रुव ने बेचैनी से पूछा, कैसा गेम और ये लेवल क्या है? फोन से आवाज आई, गेम के तीन लेवल हैं। पहला लेवल इजी टास्क, दूसरा लेवल टफ टास्क, तीसरा लेवल रिस्की टास्क। इन लेवल्स के अंदर और भी कई लेवल्स हैं। लेवल बढ़ने के साथ ही टास्क का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही बड़ा इनाम। गेम में मिले टास्क को तुम्हें रियल लाइफ में दिए गए तय समय में पूरा करना होगा। एक दिन में एक काम, जीतने पर इनाम नहीं तो सजा। तुम लेवल छोड़ सकते हो, टास्क नहीं छोड़ सकते। एक पल को ध्रुव को ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो और उसने अपने आप से कहा, मैं ये क्या बेवकूफी भरी बातें सुन रहा हूं। ध्रुव ने फोन को वहीं बेड पर रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही ध्रुव कमरे से बाहर निकला, उसके पैर उसे वापस उसी कमरे की तरफ लेकर चले गए। ध्रुव चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और जैसे ही ध्रुव कमरे में पहुंचा, एक बार फिर फोन से आवाज आई, तुम इस गेम को खेलने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने इस गेम को नहीं, इस गेम ने तुम्हें चुना है। ये सुनते ही ध्रुव ने चिढ़कर कहा, पर मैं ये गेम क्यों खेलूं? तुम हो कौन? कौन हो तुम? थोड़ी देर तक फिर से कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और ध्रुव ने एक बार फिर वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ध्रुव कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, एक बार फिर से फोन से आवाज आई, अगर अपने मम्मी पापा को ढूंढना है और इस हाउस को बचाना है तो तुम्हें इस गेम को खेलना ही होगा। ये सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा, या मेरे मम्मी पापा के लापता होने के पीछे इस गेम का कोई लेना देना है? हालांकि ध्रुव ऐसी बातों में यकीन नहीं करता था और यही वजह थी
कि उसे अपने पेरेंट्स के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि वो अपने पेरेंट्स को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था, जिसमें ध्रुव हर कोशिश करके हार चुका था। यहां तक कि पुलिस ने अब इस केस में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी ध्रुव ने उस गेम के आइकन पर टैप कर दिया। तुरंत ही पहला लेवल खुल गया। तभी फिर से फोन से आवाज आई। पहले लेवल के टास्क में हॉरर की हाउस की गुड़ियों, कठपुतलियों और मिरर्स को रिपेयर करो और पेंट करो। टाइम ड्यूरेशन सुबह 5 बजे तक। इनाम क्या है ये बाद में बताया जाएगा। काम पूरा ना होने पर जुर्माना, और ये भी बाद में बताया जाएगा। ये सुनते ही ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, इतने कम समय में मैं ये सब कैसे ठीक करूंगा, और मेरे पास तो ये सब ठीक करने का सामान भी नहीं है। तभी फोन से रोशनी आनी बंद हो गई और फोन ऑफ हो गया। ध्रुव समझ गया कि ये एक तरफा कम्युनिकेशन है और उसने खुद से कहा, इसका मतलब मुझे गेम खेलना है और मैं कोई सवाल नहीं कर सकता, पर मैं ये गेम क्यों खेलूं मैं ये गेम? क्या वाकई इस गेम को खेलने से मम्मी पापा को ढूंढ पाऊंगा मैं अपने मम्मी पापा को? ध्रुव को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला। तब ध्रुव ने सोचा, अब तो ये फोन ऑफ हो चुका है तो शायद ये गेम भी खत्म हो चुका है, मैं नीचे जाकर सो जाता हूं। वैसे भी ये गेम एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा मुझे। सोचता हुआ ध्रुव अपने कमरे में आ गया, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके बेड के नीचे कुछ है, और वो तुरंत उठकर बैठ गया। बेड से उतरकर चेक करने के लिए जब ध्रुव ने बेड शीट हटाई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वहां रंग के डिब्बे और रिपेयरिंग का सामान सारा रखा हुआ था। ये देखकर ध्रुव दंग रह गया। ओह माय गॉड, ये सामान कहां से आया? इसका मतलब फोन से जो आवाज आ रही थी वो बातें सही थी, यानी कि मुझे ये गेम खेलना ही पड़ेगा, और अगर मैं ये खेल जीत गया तो शायद मैं मम्मी पापा को ढूंढ लूंगा। ये सोचते ही ध्रुव ने अपने आप को गेम खेलने के लिए तैयार कर लिया और रिपेयरिंग का सामान लेकर तीसरी मंजिल पर वापस आ गया। वहां ध्रुव ने सभी कमरों में रखी गुड़िया, कठपुतलियों और लकड़ी के सामान को एक ही कमरे में इकट्ठा कर लिया और अपने काम में लग गया। सबसे पहले उसने अपनी बनाई गुड़िया को रिपेयर किया, उसके बाद वो बाकी गुड़ियों और कठपुतलियों को कलर करने लगा। पर तभी अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसने सिर्फ 4 गुड़ियों की रिपेयरिंग की थी, लेकिन वहां पर रखी हुई 8 गुड़िया की रिपेयरिंग हो गई थी। ध्रुव ने हैरानी से चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये गुड़िया अपने आप रिपेयर हो रही है, सोचते हुए ध्रुव ने जोर से कहा, यहां और कौन है? कौन है जो मेरे साथ काम कर रहा है? कौन है यहां पर? एक बार फिर से ध्रुव को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ध्रुव को एक अजीब सी धुन सुनाई पड़ी। ये गिटार की धुन थी जो काफी रहस्यमय लग रही थी। ध्रुव ने उठकर चारों तरफ देखा और फिर वो कमरे से बाहर निकला, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वो धुन सुनाई देनी बंद हो गई। ध्रुव जैसे ही कमरे में वापस लौटा, उसे फिर से वह धुन सुनाई देने लगी। अब ध्रुव बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो कमरा एक स्टोर रूम था जिसकी खिड़की पीछे जंगल की तरफ खुलती थी। खिड़की के बाहर देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने खिड़की के बाहर अपना सर निकाला, उसे धुन सुनाई देनी बंद हो गई। और जैसे ही उसने अपना सर कमरे के अंदर किया, एक बार फिर से उसे वो धुन सुनाई देने लगी। अब ध्रुव को लगने लगा कि हो ना हो इस जगह में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई। ध्रुव उठकर कमरे से बाहर निकलने लगा,
लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके बगल से गुजरकर उस कमरे में दाखिल हो गया। एक बार फिर से ध्रुव बहुत हैरान रह गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक बहुत ज्यादा डर चुका होता, लेकिन ध्रुव बचपन से ही भूत प्रेतों के माहौल में ही पला बड़ा था, इसलिए अभी तक उसे डर का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस इस माहौल से हैरान था, परेशान था। अंधेरे में टटोलता हुआ ध्रुव नीचे के फ्लोर पर पहुंच गया तो उसने पाया कि नीचे के फ्लोर पर लाइट थी। ध्रुव समझ गया कि ऊपर के फ्लोर की फ्यूज खराब हो गई होगी और उसने मेन स्विच को चेक किया, लेकिन वहां सब कुछ ठीक था। तभी ऊपर के फ्लोर की लाइट आ गई। ध्रुव एक बार फिर स्टोर रूम में गया, लेकिन ध्रुव जैसे ही उस कमरे में पहुंचा वो शॉक्ड रह गया और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में रखा सारा सामान नया सा चमक रहा था। एक बार फिर ध्रुव ने इधर उधर नजर दौड़ाई पर वहां कोई नहीं था, कोई नहीं था वहां पर। हालांकि ध्रुव बहुत बहादुर था पर जो घटनाएं उसके साथ हो रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। उसके आसपास एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी ध्रुव इस शौक से ही नहीं निकल पाया था कि तभी उसकी नजर वहां रखे एक कांसे के मिरर पर पड़ी जो एकदम काला पड़ चुका था, लेकिन अब वो मिरर हीरे की तरह चमक रहा था। ध्रुव के मुंह से अचानक निकला, यार ये हो क्या रहा है? कौन है जो ये सब कर रहा है? कौन है? अगले ही पल फिर से गिटार की वही धुन सुनाई देने लगी। हैरान ध्रुव मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आईने में ध्रुव को अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई और खड़ा है। ध्रुव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी ध्रुव की नजर घड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि 5 बजने में बहुत कम समय बाकी था। अभी ध्रुव को दूसरे फ्लोर के सामान को भी रिपेयर करना था, इसलिए ध्रुव ने दूसरी बातों से अपना ध्यान हटाया और भागकर दूसरे फ्लोर पर सामान रिपेयर करने चला गया। और आखिरकार ध्रुव ने सुबह 5 बजे तक सारे पुराने सामान को रिपेयर कर दिया। अचानक पूरे घर में बीप की आवाज गूंजने लगी। ध्रुव दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ गया। जल्दी उसे समझ में आ गया कि वो आवाज उसके पेरेंट्स के रूम से आ रही थी। जब ध्रुव उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बेड पर रखा हुआ उसकी माँ का काला फोन एक बार फिर से ऑन हो गया था और उसमें से बीप साउंड बाहर निकल रहा था। ध्रुव के कमरे में पहुंचते ही फोन से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, टास्क कंप्लीटेड, तुम्हें जल्द ही सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, अब दूसरे लेवल पर जाओ। ध्रुव ने तुरंत फोन हाथ में लेकर उसके दूसरे लेवल पर क्लिक किया। दूसरा लेवल खुल गया जिसमें लिखा था, स्कैरी हाउस की सफलता के लिए 3 चीजों का ध्यान रखो, कहानी, डर और इमोशन। कहानी में पहले प्रोजेक्ट के लिए कमरे को डेथ वेडिंग की थीम में बदलो। टाइम ड्यूरेशन, आज का पूरा दिन। ध्रुव रात भर काम करके काफी थक गया था और अब वो पहले आराम करना चाहता था, लेकिन ध्रुव जानता था कि सुबह होते ही तान्या यहां आ जाएगी, इसलिए उसने तान्या को फोन किया और बोला, तान्या मैं रात में सो नहीं पाया हूँ, मैं अभी आराम करूंगा, इसलिए तुम अभी यहां मत आना और हाँ मेरे लिए आज खाना भी मत बनाना। ये सुनकर तान्या ध्रुव के लिए थोड़ी परेशान हुई पर उसने चुपचाप ध्रुव की बात मान ली। इधर ध्रुव को गेम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कमरे में कुछ चेंजेस करने थे पर थकान और नींद के कारण वो अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर सोने का फैसला किया और सो गया। कुछ घंटे बाद अचानक ध्रुव ने फिर से बीप की तेज आवाज सुनी जिससे उसकी नींद खुल गई। ध्रुव ने हड़बड़ाकर फोन को चेक किया तो उसमें लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, सेकंड लेवल कंप्लीटेड। ये पढ़ते ही ध्रुव उठ खड़ा हुआ और उसने सोचा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, फिर सेकंड लेवल कंप्लीट कैसे हो गया? हैरान ध्रुव पूरे हाउस में घूमने लगा।
वो उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां उसका टास्क कंप्लीट हुआ था, यानी कि डेथ वेडिंग की तैयारी हुई थी। और आखिर घूमते हुए ध्रुव उसी स्टोर रूम में पहुंच गया जहां वो कल रात काम कर रहा था। और वहां पहुंचकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां घोस्ट वेडिंग का मंडप सज चुका था। वहां पास के 3-4 कमरों में अलग अलग तरीके से शादी की तैयारी की गई थी। ये सब देखकर ध्रुव के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? आखिर कौन है यहां मेरे अलावा, और जो ये सब कर रहा है? फिर ध्रुव ने सोचा, नहीं तानिया तो नहीं आई थी, और मैंने तो उसे आने के लिए मना किया था, और वैसे भी उसे क्या पता मुझे क्या टास्क मिला है। तभी फोन से आवाज आई, पहले लेवल के सरप्राइज गिफ्ट की बधाई, अगला लेवल अनलॉक के लिए तैयार हो जाओ। इनाम की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा, पता नहीं मुझे क्या इनाम मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद फोन से आवाज आई, पहले लेवल को पार करने का इनाम ही दूसरे लेवल को पूरा करना था, जो तुम्हारे बिना किए ही पूरा हो गया। अब ध्रुव समझ गया कि उसने पहला लेवल कंप्लीट किया और उसके इनाम में उसका दूसरा लेवल अपने आप कंप्लीट हो गया। अब ध्रुव को इस गेम में मजा आने लगा था, लेकिन अभी तक गेम से तीसरे लेवल के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आया था, इसलिए ध्रुव एक बार फिर से सो गया। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि ध्रुव अपने पेरेंट्स के कमरे में उनके बेड पर सोया हुआ था। तभी एक बार फिर से फोन से आवाज आई, क्या आप तीसरा लेवल खेलने के इच्छुक हैं? ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत ही फोन पर बने हुए गेम को ओपन किया, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को जोर का झटका लगा, क्योंकि फोन के ऊपर लाल रंग से कुछ ऐसे शब्द उभर आए मानो उन्हें खून से लिखा गया हो। वो शब्द थे, क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? ध्रुव ने हैरानी से कहा, ये कैसा सवाल है? काश कि भूत प्रेत होते ताकि मेरा ये बिजनेस हिट हो पाता। तभी स्क्रीन से फिर से आवाज आई, तुम जो सोच रहे हो वही जवाब है। अगर तुम्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो तुम्हें डेली बेसिस पर यह गेम खेलना होगा और इस गेम के दिए हुए टास्क को पूरा करना होगा, तभी तुम इस बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाओगे। ये सुनकर ध्रुव ने सोचा, मेरी मम्मी के फोन में ये गेम क्यों है? ये गेम पहले से ही था या ये अभी आया है? क्या इस गेम का हमारे स्कैरी हाउस से कोई कनेक्शन है? ध्रुव को समझ आ गया था कि अगर वो इस गेम के लेवल को पूरा करेगा तो वो अपने स्कैरी हाउस को फायदा पहुंचा सकता है। ध्रुव ने गेम में दिए अनलॉक सीन की एक लंबी लाइन देखी तो उसने एक्साइटमेंट में बहुत सारे सीन्स पर टैप किया, पर तभी वो आवाज फिर उभरी, सीन को अनलॉक करने के लिए दिए गए डेली टास्क को निश्चित संख्या में पूरा करना होगा। लेवल खुलने पर डेली टास्क को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो दूसरा लेवल नहीं खुलेगा। ध्रुव को समझ आ गया कि गेम के नए लेवल को तभी अनलॉक किया जा सकता है जब पिछले लेवल का टास्क पूरा होगा। सोचते हुए ध्रुव ने तीसरे लेवल पर टैप किया, तभी फोन से एक चेतावनी आई, ये टास्क बेहद खतरनाक है, अगर एक बार खेलना शुरू कर दिया तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ये चेतावनी सुनते ही ध्रुव थोड़ा झिझक गया, तभी उसे याद आया, जितना कठिन लेवल उतना ही अधिक इनाम। फिर उसने हिम्मत की और डरते हुए गेम के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगा। तभी फोन से एक स्कैरी म्यूजिक बजने लगा, वो धुन इतनी डराने वाली थी कि ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो म्यूजिक बंद हुआ फोन पर एक मैसेज आ गया, एक कैंडल एक मिरर अंधेरा कमरा। फिर इंस्ट्रक्शंस बॉक्स में लिखा था, टास्क ड्यूरेशन 30 मिनट, टास्क के बीच में किसी भी हालत में नहीं उठना है, चेहरे और मिरर के बीच एक कैंडल, आंखें बंद, आंखें खुली तो जान का खतरा। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं था, लेकिन आगे एक और लाइन लिखी हुई थी, इस अनुभव के लिए साहस भाग्य और थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी। ये पढ़कर ध्रुव सुन्न सा हो गया, वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर अपने आप में बुदबुदाया,
पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। फिर ध्रुव ने सोचा, मैं एक स्केरी हाउस का ओनर हूँ, इसलिए एक भूतिया गेम खेलना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर ध्रुव को एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस टास्क को रिकॉर्ड कर लूं? इस टास्क का वीडियो तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए, पक्का मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी में रात के 12:15 बज रहे थे। 15 मिनट में दूसरा दिन होने वाला था और उसका डेली टास्क का समय भी शुरू होने वाला था। ध्रुव अपनी जगह से उठा और ग्राउंड फ्लोर जाते हुए सोचने लगा, मुझे ये टास्क ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में करना चाहिए। अगर कोई बड़ी दुर्घटना का डर हुआ तो मैं बाथरूम की खिड़की से कूद कर बाहर भाग जाऊंगा। फिर ध्रुव ने अपने फोन की बैटरी चेक की और अपने साथ एक कैंडल एक लाइटर लेकर वो बाथरूम में चला गया। ध्रुव ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर ऐसी दिशा में सेट कर दिया जिससे उसका चेहरा और मिरर दोनों साफ दिखाई दे। फिर ध्रुव ने गेम खेलने के लिए स्क्रीन पर क्लिक किया। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, मिरर से कोई मॉन्स्टर निकल सकता है, हो सकता है कि खूनी आंखें तुम्हें घूर रही हो, हो सकता है दरवाजे और दरारों से खून रिस रहा हो सकता है कोई मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा हो। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना और अपनी आंखें भी नहीं खोलनी है। ये सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर उसने अपने पक्के इरादे को डगमगाने नहीं दिया। ध्रुव ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा, अब 12 बजने में केवल 2 मिनट बचे थे। वो तैयार था। ध्रुव ने कैंडल जला दी और मिरर के सामने बैठ गया। आज मिरर में उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिख रहा था। ध्रुव ने सोचा, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जिसे आम लोग नहीं देख सकते? पल भर में ध्रुव उस दुनिया को महसूस करने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से बोला, मैं ध्रुव एक अनजान यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूं। अचानक ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी, पत्तों के उड़ने की तेज आवाजें ध्रुव के चारों तरफ गूंजने लगी। लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली और वो अपने आप से यही कह रहा था, इस गेम को खेलने से मुझे स्केरी हाउस के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके थे, अचानक ध्रुव को ठंड का एहसास हुआ और तेजी से ठंड बढ़ने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि ध्रुव कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसे किसी बर्फानी तूफान में फेंक दिया गया हो। ध्रुव का मन हुआ कि वो आंखें खोल कर देखे, पर तभी उसे वो चेतावनी याद आ गई और ध्रुव ने खुद को समझाते हुए कहा, शायद बाथरूम की खिड़की मैंने ठीक से बंद नहीं की, इसलिए बाहर से ठंडी हवा आ रही होगी। तभी ध्रुव को महसूस हुआ जैसे कि किसी के हाथों ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। ध्रुव ने अपनी आंखें और भी जोर से बंद कर ली। अचानक बाथरूम के दरवाजे के चरमराने की आवाज आई, जैसे कि दरवाजा खुल गया हो, और उसी वक्त कहीं से पानी टप टप टपकने लगा। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल के सीवर की पाइप रिसने लगी और उसमें से कीड़े बाहर निकलकर रेंगने लगे हों। इन सब आवाजों को सुनकर ध्रुव को बेचैनी होने लगी, पर उसने फिर से चेतावनी को याद किया कि अगर उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली और याद करने लगा, मैं जब मम्मी पापा के साथ टूर पर जाता था तो वहां कड़ाके की ठंड में भी बाहर घूमता और खेलता था। मुझे याद है वो वहां कई बार टेंट के बाहर ही चूल्हा बनाकर खाना बनाते थे, तब भी तो वहां भी गंदी नाली में कीड़े रहते थे, इसलिए मुझे ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये सोचते हुए ध्रुव में हिम्मत आ गई और वो जिस स्थिति में बैठा था वैसे ही बैठा रहा। ये स्थिति लगभग 5 मिनट तक बनी रही। अब उसने कुछ भी सोचना बंद कर दिया और टाइम का अंदाजा लगाने लगा। बचपन में जब भी उसकी मम्मी पापा को घर आने में लेट हो जाता था वो टाइम गिनने लगता था, इसलिए ये ध्रुव का एक खास गुण था कि वो बिना घड़ी के भी समय का अंदाजा लगा लेता था। तभी अचानक बाथरूम का तापमान बढ़ने लगा
और ऐसा लगा जैसे कि बाथरूम आग की लपटों में घिर गया हो। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके हाथ की नसें उभरने लगी, पर वो फिर भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। 20 मिनट बीत चुके थे, अचानक बाथरूम में सन्नाटा छा गया। तभी कोई ध्रुव का नाम बुदबुदाने लगा। ध्रुव, 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 ध्रुव ध्यान से सुनने लगा। उसने अंदाजा लगाया शायद आवाज बाहर से आ रही थी। आवाज में एक रिक्वेस्ट थी, जैसे कोई बहुत जरूरी बात बताना चाह रहा हो। तभी ध्रुव ने याद किया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हिलना नहीं है और अपनी आंखें नहीं खोलनी है। ये सोचकर ध्रुव ने बाहर से आने वाली आवाज को अवॉइड किया। ध्रुव समय गिनने लगा, पर अब बाहर की आवाज और भी साफ हो रही थी। कोई उसे बुला रहा था और ध्रुव बेचैन हो रहा था। ध्रुव, ध्रुव प्लीज मेरी मदद करो, मदद करो ध्रुव, ध्रुव तुम मुझे सुन रहे हो ना, प्लीज हेल्प ध्रुव। बाहर कोई जोर जोर से चीख रहा था। बाथरूम के दरवाजे पर खरोचने की आवाजें ध्रुव साफ सुन पा रहा था। ध्रुव मुझे बचाओ, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं आ, 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 आ। ये कहते हुए कोई दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगा। ध्रुव को लगा कोई बाहर से दरवाजा तोड़ देगा, पर ध्रुव फिर भी नहीं हिला। ध्रुव को किसी भी हालत में अपने मम्मी पापा का पता लगाना था और इस स्केरी हाउस को भी बचाना था, इसलिए वो हर एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता जा रहा था। इस सब में आधा घंटा बीत चुका था। अब धीरे धीरे सब शांत होने लगा था, लेकिन अभी भी ध्रुव की आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। उसने फिर से 60 तक गिना और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बाथरूम में पूरी तरह से अंधेरा था, कैंडल बुझ चुकी थी, पर ध्रुव को एहसास हुआ जैसे कि वहां कुछ तो बदल गया था। तब ध्रुव ने लॉन से आ रही रोशनी के सहारे मिरर की तरफ देखा और वो दंग रह गया, क्योंकि मिरर में कई दरारें आ गई थी और अब उसमें ध्रुव के अनगिनत चेहरे दिखाई दे रहे थे। उस मिरर के सामने ध्रुव की बनाई गुड़िया थी, लेकिन उसकी हालत जर्जर लग रही थी, जबकि कल रात ही ध्रुव ने उसे रिपेयर किया था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसने मिरर के अंदर से आने वाली किसी बुरी चीज को रोका था और ध्रुव की रक्षा की थी। ध्रुव ने गुड़िया को हाथों में लिया और खुद से सवाल किया, ये गुड़िया यहां कैसे आई? मैं तो इसे नहीं लाया था, बाथरूम का दरवाजा भी बंद था, तो क्या ये खुद चलकर आई है यहां? पर कैसे, कैसे? ध्रुव शॉक्ड था। उसे लगा उसके आसपास कोई तो जरूर है। तभी ध्रुव को वो बातें याद आ गई जो इस लेवल के इंस्ट्रक्शंस में लिखे थे। इस अनुभव के लिए साहस, भाग्य और थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। ध्रुव बुदबुदाया, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने हिम्मत दिखाई, मैं भाग्यशाली रहा और इस गुड़िया ने मेरी मदद की? ये सब याद करके अगले 2 मिनट तक ध्रुव उस गुड़िया को निहारता रहा और गुड़िया उसे। ध्रुव के फोन में रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। उसने फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव किया। उसने वीडियो में देखा पहले 10 मिनट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पर ध्रुव के चेहरे के भाव काफी भयंकर दिख रहे थे। 11वें मिनट में हल्की हल्की साए साए की आवाजें आने लगी थी। वीडियो में बाथरूम का दरवाजा हिलता हुआ नजर आ रहा था। शुरू में ध्रुव मिरर के सामने बैठा था, उसने मिरर से थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी और वो सीधा बैठा था, पर वीडियो में ध्रुव ने देखा कि वो मिरर की तरफ धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे कि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ध्रुव और ध्यान से वीडियो देखने लगा। 25वें मिनट तक आते आते ध्रुव मिरर की तरफ 70 डिग्री कोण तक झुक गया था। ये देखकर ध्रुव के रोंगटे खड़े होने लगे और वो सोचने लगा, ये मैं क्या करने वाला हूं, क्या ये सचमुच मैं हूं? ध्रुव ने आगे देखा कि मिरर में दरारें पड़नी शुरू हो गई और अचानक ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी और मिरर की तरफ मुस्कुराकर देखा। फिर उसने मिरर पर अपना सर जोर से दे मारा और फिर मोमबत्ती बुझ गई।
बाथरूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अंधेरे में मोबाइल कुछ भी साफ तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ध्रुव को अच्छे से याद था कि उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन फिर मोबाइल में ये कैसे रिकॉर्ड हो गया कि उसने आंखें खोलकर अपना सर मिरर पर दे मारा। तभी ध्रुव ने कहा, इसमें तो बस मैं ही दिख रहा हूं, ये गुड़िया तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही, या शायद कैमरे का एंगल उसे दिखा नहीं पाया। ये सब कैसे हो रहा है? वीडियो को देखकर ध्रुव हैरान रह गया और उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर उसने अपने सर पर हाथ रखा, लेकिन ध्रुव को कोई चोट नहीं आई थी। फिर ध्रुव ने गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और बोला, तो क्या तुमने मेरी रक्षा की है? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बोलकर ध्रुव ने गुड़िया को गले लगा लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि गुड़िया उसकी रक्षा कर रही थी। तभी ध्रुव को फोन की आवाज सुनाई पड़ी, टास्क कंप्लीटेड, जल्द ही सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ये सुनते ही ध्रुव ने चैन की सांस ली, फिर बुदबुदाया, इसका मतलब अब कोई खतरा नहीं है और अब मैं बाहर जा सकता हूँ। ये कहते ही वो बाहर जाने लगा। तभी फिर से काले फोन से आवाज आई, तुम्हें जूनियर जीनियस का खिताब दिया जाता है, अनोखी दुनिया में जूनियर जीनियस का स्वागत है, इनाम के तौर पर तुम्हें एक घोस पेंटिंग स्किल दी गई है, ये तुम्हारे स्केरी हाउस में काम आएगी। तुम इस कौशल से मेकअप करके किसी भी जिंदा इंसान को लाश बनाकर पेश कर सकते हो, अपने स्किल को आजमाओ। ध्रुव ने सोचा, जूनियर जीनियस, जिंदा इंसान को लाश बनाने की स्किल, मतलब मैंने अपने लिए दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए, और ये घोस्ट पेंटिंग स्किल का मतलब क्या है? ध्रुव ने आज एक अलग दुनिया देखी थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग, भयानक और खतरनाक थी। असल में ध्रुव की पुश्तैनी हवेली करीब 100 साल पुरानी थी, लेकिन उसी जगह पर पहले एक और हवेली हुआ करती थी, उसे ही तोड़वा कर ध्रुव के दादाजी ने ये हवेली बनवाई थी। जिस हवेली को ध्रुव के दादाजी ने तोड़वाया था, उसके पहले वहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और उस कब्रिस्तान से पहले वहां एक राजा का किला था, जहां चंदन सेन नाम के राजा का राज हुआ करता था। उस राजा की संजोगिनी नाम की एक बेटी थी। संजोगिनी रुद्र नाम के गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन राजा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही दर्दनाक मौत दी, और मारने के बाद उसके शरीर को काट कर पूरे राज में फेंकवा दिया, ताकि मरने के बाद भी उसे मुक्ति ना मिले। तब से संजोगिनी उसी जगह पर रुद्र का इंतजार कर रही है, क्योंकि रुद्र से मिलने के बाद ही उसे मुक्ति मिल पाएगी, और इसके लिए संजोगिनी को रुद्र से शादी करनी होगी और उसके साथ एक रात बितानी होगी। और इस तरह संजोगिनी को इंतजार करते हुए 999 साल हो गए। इस बीच उस जगह पर कई हवेलियां बनी और टूटी, लेकिन संजोगिनी का ठिकाना नहीं बदला, और अब ध्रुव के वहां आने से संजोगिनी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। दूसरी तरफ ध्रुव वो वीडियो देखकर बोला, अब मुझे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना होगा, शायद इस तरह मेरी स्कैरी हाउस की थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। ये सोचकर ध्रुव ने उस वीडियो को अपलोड कर दिया और साथ में कैप्शन दिया, मिरर में कौन, आज की रात काफी इंटरेस्टिंग थी, खतरनाक और सुपरनैचुरल, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। रात अभी बाकी थी। ध्रुव जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, दरवाजे को देखकर दंग रह गया, उस पर नाखूनों से खरोचने के निशान थे। ये देखकर ध्रुव ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं बाहर नहीं आया, पर ये किसके नाखून के निशान है? सोचता हुआ ध्रुव अपने कमरे में आ गया और उसने फोन चेक किया। ध्रुव ने देखा कि इनबॉक्स में कमेंट आने शुरू हो गए थे, कुछ में उसकी तारीफ की गई थी तो कुछ में उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन ध्रुव का वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया था। कुछ लोग वीडियो देखकर बुरी तरह डर गए थे और कुछ ध्रुव को पागल और मानसिक रोगी कह रहे थे।
कुछ उस वीडियो को अलग कैप्शन देने लगे। किसी ने ध्रुव की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने ध्रुव को अपने साथ जुड़ने का भी ऑफर दिया। कमेंट्स देखकर ध्रुव खुश था। उसने नीचे अपने स्कैरी हाउस का पता और ब्रोशर डाला और कैप्शन दिया, माई स्कैरी हाउस टेक द चैलेंज। वीडियो पर कमेंट्स आने जा रही थे। अब सुबह के 2 बज चुके थे और ध्रुव बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया। अगली सुबह 8 बजे ध्रुव की आंख खुली और उसने तुरंत अपना फोन खोल कर देखा। अब तक लगभग 5,000 लोगों ने वीडियो देख लिया था और सैकड़ों लोगों ने उसे फॉलो कर लिया था। ध्रुव ने सोचा, तीसरी लेवल जानलेवा है पर इसके परिणाम भी बड़े होंगे, शायद मुझे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ध्रुव जल्दी से तैयार हुआ। तभी वहां तानिया आ गई। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तानिया ने जोश के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर वेलकम किया। तानिया के मुस्कुराते आकर्षक चेहरे की तरफ देखकर वो सोचने लगा, ये कितनी क्यूट है। तभी तो लड़के इसके ज़ॉम्बी बने होने के बावजूद भी इसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ते। ये सोचते ही ध्रुव को हंसी आ गई। तान्या आश्चर्य से ध्रुव की तरफ देखने लगी और बोली, क्या हुआ सर, आप हंस क्यों रहे हैं। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे, वो तुमने जो मुझे उस दिन एक लड़की को पीटने वाली घटना सुनाई थी, बस वो याद आ गया। ये कहते ही ध्रुव फिर हंसने लगा। तान्या भी उत्साहित होते हुए बोली, पीटती नहीं तो और क्या करती, कह रहा था ज़ॉम्बी से प्यार हो गया मुझे। ये बोलते हुए तान्या के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। ध्रुव हंसते हुए बोला, तभी तो लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया, तुम ऐसे लोगों को पीटोगी तो कोई क्यों आएगा भला। ध्रुव को हंसता देखकर तान्या चुप हो गई। तभी ध्रुव ने कहा, वैसे तुम सही टाइम पर आई हो, मैंने एक नया म्यूजिक बनाया है, आज से उसे ही चलाएंगे, चलो उसे सुनते हैं। इसके बाद वे दोनों कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे। रास्ते में तान्या बोली, सर पता है अभी क्या हुआ। ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ। तान्या ने बताया, मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों को गेट के बाहर खड़ा देखा, वो लोग हमारे घर के बारे में ही इशारा कर रहे थे। मुझे तो लगता है आज यहाँ बहुत भीड़ जमा होने वाली है। लेकिन तान्या की बात सुनकर ध्रुव ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, वो एकदम शांत लग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा, उसके फॉलोअर्स की संख्या 500 से ज्यादा हो चुके थे। कंट्रोल रूम पहुंचकर ध्रुव ने तान्या को स्कैरी म्यूजिक सुनाया। तान्या म्यूजिक सुनकर सच में डर गई और उसने ध्रुव से पूछा, इतना डरावना म्यूजिक आपको कहां से मिला सर। ध्रुव उसकी बात को टालते हुए बोला, कल रात एक साइट पर मिला था, लेकिन असल में वो स्कैरी म्यूजिक वही गिटार की धुन थी जो उसने एक रात पहले सुनी थी, और फिर ध्रुव ने उस म्यूजिक को इंटरनेट की मदद से तैयार किया था। तान्या को वो म्यूजिक बहुत पसंद आया। तभी ध्रुव ने कहा, आज हम 2 ही स्टाफ मेंबर हैं, आज की लड़ाई हम दोनों को मिलकर जीतनी है। अभी 10 बजे हमारा स्कैरी हाउस खुल जाएगा और तब तक हमें पूरी तरह तैयार होना है, और हाँ, आज मैं खुद तुम्हारा मेकअप करूंगा। ध्रुव के मुंह से मेकअप वाली बात सुनकर तान्या ने आंखें बड़ी करते हुए ध्रुव की तरफ देखा और बोली, सर आप। तान्या आगे कुछ कहती उससे पहले ध्रुव बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं, और आज तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे, चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूँ। तान्या थोड़ी झिझकी, उसे ध्रुव के मेकअप आइडिया पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पाई। दोनों मेकअप रूम में गए और ध्रुव तान्या का मेकअप करने लगा। उसने अलग अलग तरह के पाउडर और क्रीम को मिलाया और एक मिक्सचर तैयार किया। साथ ही तान्या को बताने लगा, आज से हम अपने हाउस के लिए एक थीम बनाएंगे और उसमें कुछ इमोशन डालकर काम करेंगे। तान्या ध्यान से सुन रही थी। तभी तान्या ने शीशे में देखा। अचानक उसे लगा जैसे कि कोई उसके पीछे था। उसने ध्रुव से पूछा, क्या कोई और भी अंदर आया है। ध्रुव ने उसके चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहा, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कौन होगा, तब तो भाग गए। ये सुनकर तान्या चुप रही, पर उसे अभी भी लग रहा था कि उसने किसी को शीशे में देखा था। वो
कुछ ही देर में ध्रुव ने तान्या का मेकअप पूरा कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। तान्या ने खुद को जब आईने में देखा तो उसके मुंह से निकला, वाओ सर, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तभी अचानक वो थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन क्या लोग मुझसे डरेंगे? ये सुनते ही ध्रुव जोर से हंसा और बोला, तुम सच में सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ये सुंदरता देखकर अब लोग डरेंगे। तान्या ध्रुव की बात का मतलब नहीं समझ पाई। फिर ध्रुव ने उससे पूछा, बस अपने कान में ब्लूटूथ सही से चेक कर लेना और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तान्या ने अपने चेहरे को ध्यान से देखा और उसके मुंह से निकला, सर मैं सुंदर तो लग रही हूँ, पर मुझे खुद को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये किसी मरे हुए इंसान का चेहरा है? ये सुनते ही ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब ये स्किल काम कर रहा है। और उसने तान्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, चलो अब मेरे साथ आओ। इसके बाद ध्रुव तान्या को नए थीम वाला रूम दिखाने के लिए लेकर गया। तान्या थीम को देखकर दंग रह गई और उसने कहा, अच्छा तो कल आपने इसी वजह से हाउस को बंद रखा था। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस तान्या को उसकी पोजीशन समझा दी। ध्रुव तान्या को सब समझाकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ स्केरी हाउस के गेट के बाहर बहुत लोग जमा हो चुके थे। ध्रुव भीड़ देखकर खुश हो गया, उसे लगा आज तो अच्छी कमाई होगी। वो झट से गेट की तरफ जाने लगा, तभी उसे देखकर किसी ने कहा, क्या तुम्हें भी इस आदमी ने धोखा दिया है? किसी और की आवाज आई। डर के मारे मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई। मैं तो इससे भरपाई कराऊंगा। तभी किसी की आवाज आई, अरे मेरी तो पैंट गीली हो गई, इतना डरावना सीन मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। और फिर वो कहता है कि ये उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस है, कैसा पागल आदमी है ये। ध्रुव अपने लिए नेगेटिव बातें सुन रहा था, फिर भी उत्साहित था क्योंकि उसे लगा कि वो सारे लोग उसका स्केरी हाउस घूमने आए हैं। वो उत्साहित होकर गेट की तरफ बढ़ा और गेट का दरवाजा खोलते हुए बोला, मेरे स्केरी हाउस में आप सबका स्वागत है, मुझे लगता है आप लोगों को मेरा कल रात वाला वीडियो पसंद आया, आइए अब आप सब लोग इसका खुद ही आनंद लीजिए। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, भीड़ में से किसी की आवाज आई, किसको पसंद आया? हम यहाँ तुम्हारा ये भूतिया घर देखने नहीं आए हैं, हम तो अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। तुम ही हो ना इस घर के मालिक? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक दूसरा आदमी गुस्से से बोला, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम यहाँ लोगों को जान से मारने के लिए बैठे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातें सुनकर ध्रुव ने सबको शांत कराना चाहा और बोला, आप लोग यहाँ बात मत कीजिए, अंदर आइए और खुद इसका अनुभव लीजिए। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, वैसा कुछ नहीं है। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, तुम फेक वीडियो बनाकर लोगों को क्यों डरा रहे हो? ये कहते ही भीड़ बेकाबू होने लगी थी। तभी ध्रुव ने गेट बंद कर दिया और अंदर से ही उन्हें समझाने लगा, देखिए अपने डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसे अनुभव करो, आज टिकट पर 50% की छूट है, आप लोग अंदर आइए और इसका आनंद लीजिए, आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, यकीन के साथ कहता हूं। तभी किसी की आवाज आई, तुम 50% छूट देकर हमें फंसाना चाहते हो? बेवकूफ समझा है हमें? कुछ देर शोर शराबा करने के बाद सब शांत हो गए और एक भी व्यक्ति अंदर नहीं आया। ये देखकर ध्रुव हताश हो गया और उसे कहना पड़ा, क्या आप में से कोई भी इसका एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता? असल में मेरा स्केरी हाउस डरावना नहीं है, ये सब मेरे स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, इसलिए ये घर स्केरी नहीं होकर भी आपको स्केरी लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरी वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। ये सुनते ही ध्रुव के स्केरी हाउस का वेबसाइट खोलने लगे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, हाँ हाँ यार ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। किसी ने एक कमेंट पढ़ा, जो लड़की डराती है वो इतनी सुंदर है कि उससे डर नहीं प्यार हो जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आया और उसने अपना हाथ ऊपर किया,
साधारण शक्ल सूरत वाला वो लड़का चिल्ला कर बोला, मैं भूतों से नहीं डरता, मैं रोज लाशों के साथ काम करता हूँ, मैं जाऊंगा अंदर। इस सुनते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वो लड़का बहुत कम उम्र का लग रहा था। तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, बेटा अभी तक कितनी लाशों के साथ काम किया है तुमने, जरा हमें भी बताओ। तभी कोई खींच कर बोला, बेवकूफ बनाने की भी हद हो गई। उस वक्त भीड़ में से एक लंबी पतली और खूबसूरत औरत आगे आई और बोली, हमें टिकट दो, हम अंदर जाएंगे, हम भी तो देखें जैसा वीडियो में दिखाया गया है ऐसा कुछ है भी या नहीं, हमें टिकट दो आप। स्टोरी सुनने से पहले आप सभी हमारे चैनल सीक्रेट ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्रुव ने एक नजर उस महिला की तरफ डाली, पर तभी स्केरी हाउस के अंदर जाने की बात बोलने वाला लड़का उस महिला के पास भाग कर आया और उसका बैग पकड़कर बोला, मैम ये मुझे दीजिए। जैसे उस लड़के ने ये कहा, ध्रुव ने उससे पूछा, क्या आप इनके स्टूडेंट हैं? उस लड़के ने तुरंत ही जवाब दिया, जी हाँ, मेरा नाम पारस कंडारी है, मैं देहरादून मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और कल रात मैंने आपका वीडियो देखा था। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी पारस ने उस खूबसूरत औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये मेरी मैम मिसेज योगमाया नौटियाल हैं। मैंने आपका वीडियो देखने के बाद इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ आकर खुद इस स्कैरी हाउस का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और देखिए हम लोग यहाँ आ गए। उन दोनों को अंदर जाने के लिए तैयार देखकर वहां खड़े लोग उनके आस पास घेरा बनाकर खड़े हो गए और उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। तभी पारस ने कहा, मेरी मैम कोई आम इंसान नहीं है, ये अब तक सैकड़ों डेड बॉडीज देख चुकी हैं और अनगिनत लाशों को चीर फाड़ करके उन्हें वापस सिल चुकी हैं। ये भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, ये आधी रात को अकेले एनाटॉमी रूम चली जाती हैं और कंकालों से हाथ मिलाकर वापस आ जाती है। पारस इतनी मजेदार तरीके से अपनी बात रख रहा था कि सब लोग उसकी तरफ खींचने लगे, और फॉरेंसिक डॉक्टर मिसेज योगमाया चुपचाप खड़ी थी और उनका चेहरा गंभीर था। तब ध्रुव बोला, आप लोग मेडिकल कॉलेज से हैं, तो आप लोगों की सहन शक्ति तो काफी मजबूत होगी, ये अच्छा है। ये सुनते ही मिसेज योगमाया ध्रुव के पास आई और बोली, हम अंदर जाना चाहते हैं। ध्रुव ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज टिकट पर 50% की छूट है, और आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको कुछ नियम और सावधानियां पहले ही बताना चाहूंगा। ध्रुव ने काले फोन में दिए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक कहानी तैयार कर ली थी। तभी मिसेज योगमाया बोली, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ध्रुव ने बताना शुरू किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में यहाँ उनका कब्रिस्तान हुआ करता था। इस जगह पर वो कब्रिस्तान एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ करता था इसका तो पता नहीं है, पर एक बार जब किसी ने यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहा तो कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया, इसलिए उसे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। मिसेज योगमाया ने ध्रुव की कहानी ध्यान से सुनी, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ध्रुव की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोली, आपकी कहानी पूरी हो गई हो तो अब अंदर चले, आपके वीडियो में कितना दम है ये तो पता चले ना। मिसेज योगमाया के व्यवहार से लग रहा था कि वो ध्रुव के वीडियो को बेकार साबित करने के लिए यहाँ आई थी। ध्रुव ने कहा, हाँ हाँ जरूर, पर अंदर जाने से पहले चेतावनी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ध्रुव ने सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज अंदर ना जाएं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अंदर आना अलाउड नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, अंदर चलें। मिसेज योगमाया ने एक नजर उस बोर्ड की तरफ डाली और अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। साथ में पारस भी आ गया। ध्रुव ने बाहर बरामदे में लगे काले पर्दे को बंद किया और उन्हें अंदर ले आया। चलते हुए ध्रुव उन्हें थीम के बारे में बताते हुए जा रहा था। आज का थीम घोस्ट वेडिंग सीन है और आप लोगों को उन कमरों में केवल 30 मिनट बिताने हैं।
बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है और भागना है। अगर आप डर जाते हैं तो बस सर्विलांस कैमरा के सामने खड़े हो जाएं और चिल्लाएं, आपको मैं बाहर ले आऊंगा। ये कहने के बाद ध्रुव ने उन दोनों को ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर छोड़ा और खुद वहीं रुक गया और फिर उसने कहा, गुड लक। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, पारस बोला, वैसे मुझे ये काफी मजेदार लग रहा है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता आप हमें डरा पाएंगे। तब ध्रुव ने एक रहस्यमय स्माइल दी। पारस ने भी ध्रुव की तरफ देखा और वो अपने अंदर के डर को छुपाने की असफल कोशिश करने लगा। वो कह तो रहा था कि आप हमें डरा नहीं पाएंगे, पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने मिसेज योग माया को आगे किया हुआ था और खुद उनके पीछे चल रहा था, लेकिन मिसेज योग माया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल नहीं डर रही थी और वो बेफिक्र होकर दरवाजे से अंदर चली गई। तभी पीछे से पारस चिल्लाया, मैम मैम मेरे लिए रुके। उनके कमरे के अंदर जाते ही ध्रुव ने दरवाजा बाहर से बंद किया और सीधा तानिया के पास पहुंचा। फिर उसने तानिया को बताया, विजिटर आ चुके हैं, तैयार रहो और हाँ, अपने ब्लूटूथ को सही रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तानिया को इंस्ट्रक्शंस देकर ध्रुव तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचा। उसने धीमी आवाज में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चालू किया और उन दोनों की स्थिति देखने के लिए मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बैठ गया। वो स्केरी म्यूजिक गिटार की धुन थी। असल में ध्रुव ने योग माया और पारस को उस कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था, जो कमरा डेथ पैडिंग टास्क के लिए तैयार किया गया था। उस कमरे की सजावट बहुत ही भयानक थी। वहां लगे हुए फूलों से खून टप टप टपक रहा था और मंडप नरमुंडों से बने हुए थे। हवन की जगह इंसानी हड्डियां रखी हुई थी और वेदी के चारों तरफ जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरे में अजीब सी गंध भरी हुई थी। तीन मेन गेट हैं, तीन एग्जिट हैं, जो ईस्ट वेस्ट और मिडिल में हैं। अलूजन एरिया भी है, कपड़े के पर्दे और लड़ियों के पर्दे हैं। वैसे इस स्केरी हाउस को अच्छी तरह डिजाइन किया गया है। सोचते हुए मिसेज योग माया बुदबुदा रही थी और वो बहुत ध्यान से चीजों को देख भी रही थी। पारस योग माया के पास आकर बोला, आप तो यहाँ ऐसे घूम रही हैं जैसे किसी गार्डन में घूम रही हो। ये भूतिया जगह है, यहाँ से निकलने का रास्ता खोजिए। मुझे अब डर लग रहा है। ये कहते ही पारस ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लग रहा था कि जैसे अभी किसी भी कोने से कोई भूत निकल आएगा। उसकी बात सुनकर योग माया ने कहा, अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो अच्छे से देख कर ही जाएंगे। तुम ज्यादा मत सोचो और इसे इंजॉय करो। एक नकली भूता घर में खुद को बेवकूफ मत बनने दो। तभी पारस बोला, क्या आपको याद नहीं है अभी इस भूता घर के मालिक ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें 30 मिनट में बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि वो एक चालाक आदमी है। अगर हम 30 मिनट में बाहर नहीं निकले तो जरूर वो कोई चाल चलेगा और हमारे साथ कुछ बुरा होगा। पारस की बात सुनकर योग माया बोली, सारे स्कैरी हाउस लगभग एक जैसे होते हैं। वो अपने स्टाफ को स्कैरी मेकअप करते हैं और विजिटर्स को डराने के लिए कहते हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आने वाले लोग डरें। और यहाँ भी इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो आगे निकल गई और उन्होंने बाईं तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बहुत सारे चमगादड़ों के उड़ने की आवाज आई, पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंदर का कमरा एक आंगन की तरह दिख रहा था जिसमें सामने की तरफ कमरे बने हुए थे। पारस अंदर झांकते ही डर गया और बोला, मैम मैम आप अंदर जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर लूंगा, मैं नहीं आ रहा आपके साथ। इतना कहकर वो अभी पीछे हटने ही वाला था कि योग माया ने उसे अपने साथ अंदर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा,
वहां रखी कुर्सियां एक दूसरे से टकराकर उल्टी हो गईं। वहां फर्श पर पूजा का सामान बिखरा हुआ था और हर तरफ खून के धब्बे थे। ऊपर एक रस्सी लटक रही थी जिसे देखने से ऐसा लगा जैसे किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। साथ में तीन और कमरे दिखाई दे रहे थे। एक कमरा बुजुर्ग का कमरा था जिससे हुक्का पीने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे आवाज आनी बंद हो गई। दूसरा कमरा किसी कपल का लग रहा था जहां से चूड़ियों के बजने की आवाज आ रही थी और तीसरे कमरे से बर्तनों के बजने और झाड़ फूंक के मंत्रों की आवाज आ रही थी। लेकिन हर कमरे में जैसी योग माया और पारस झांकते थे वहां से आवाज आनी बंद हो जाती थी और वहां एकदम खामोशी छा जाती थी, यानी एकदम सन्नाटा। योग माया को स्केरी हाउस का ये डिजाइन इम्प्रेसिव लगा और उसे लगा कि आगे अभी और रोमांच मिलने वाला है। लेकिन पारस को बहुत डर लग रहा था। वही योग माया को यहां लेकर आया था लेकिन अब वो यहां से तुरंत निकलना चाहता था और उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, मैम मैम चलिए यहां से, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज आप यहां से चलिए। जैसे ही पारस ने ये कहा कमरे में रखे सभी सामान से खून निकलने लगा। ये सब देखकर पारस का मुंह सूखने लगा। वो यहां से भागना चाहता था पर योग माया को बिना लिए वो वहां से नहीं भाग सकता था। तभी योग माया आगे बढ़ गई। डरता हुआ पारस योग माया के पीछे भागा। मैम मैम मेरे लिए रुके प्लीज। पारस की आवाज सुनकर योग माया ने पीछे मुड़कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, तुम अपनी आवाज थोड़ी धीमी नहीं रख सकते, एक लड़का होकर इतना डरते हो। तब पारस ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूं पर यह जगह अजीब है, यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मुझे डर लग रहा है और मुझे अनइजी फील हो रहा है। तभी अचानक उन दोनों की नजर एक गुड़िया पर पड़ी। योग माया ने उस गुड़िया को जमीन पर फेंकते हुए कहा, कागज की गुड़िया से कौन डरता है। तभी अचानक उस कागज की गुड़िया की आंखों से खून निकलने लगा। ये देखकर पारस ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी और उसने योग माया से कहा, मैम मैम मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। पारस की बात सुनकर योग माया भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसे भी लगने लगा कि वहां पर कुछ तो गलत है जो उसे बेचैन कर रहा था। पारस ने घबराते हुए योग माया को ध्रुव की सुनाई हुई वो कहानी याद दिलाई जिसमें इस घर के कब्रिस्तान के ऊपर बनने की बात कही गई थी। योग माया ने कहा, हमारे हॉस्पिटल का मुर्दा घर इससे ज्यादा खतरनाक है। ये स्कैरी हाउस वाले हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं ताकि हम डरें, लेकिन हमें इनके झांसे में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ताकि इनका पर्दाफाश कर सकें। इतना कहकर योग माया आगे बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैंने इस घर में बहुत से कमरे देखे, उनमें सूखे पेड़, कागज के मुखौटे, पुराना घर, पूजा का स्थान, पर कुछ भी तो डरावना नहीं है। ये सोचते हुए उसने कहा, यहाँ डरने के लिए आखिर है ही क्या। तभी उन दोनों को फिर से वही डरावना गिटार ट्यून सुनाई देने लगा। योग माया ने पारस से पूछा, कितना टाइम हो गया होगा। पारस ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम यहाँ सदियों से कैद हैं। अब इसके लिए म्यूजिक का असर उन दोनों के दिमाग पर होने लगा था। योग माया बोली, घबराओ मत, अब मैं इस घर के मालिक की चाल समझ रही हूँ, वो हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। ये सुनते ही पारस ने पूछा, तो आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए। ये बात तो साफ है कि ये घर बाकी स्कैरी हाउस से अलग है। योग माया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बाकी स्कैरी हाउसेस में डर पैदा किया जाता है, वहां कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं और यहाँ बस सेट डिजाइन किया गया है और बाकी हमारी सोच पर छोड़ दिया है। अब हमें ये नहीं पता कि आगे क्या दिखेगा, इसलिए यहाँ डर का माहौल है। पारस ने कहा, आप सही कह रहे हैं, जो हम नहीं जानते उसका डर ज्यादा होता है। ये कहते ही अचानक पारस को लगा जैसे कि वहां कोई और मौजूद है जो उनकी बातें सुन रहा है।
स्टोरी सुनने से पहले आप सभी हमारे चैनल सीक्रेट ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सोचते हुए योग माया ने कहा, हाँ चलो अगले कमरे में चलते हैं। योग माया थोड़ी स्ट्रेस में लग रही थी। उन दोनों ने आगे बढ़कर लकड़ी का एक दरवाजा खोला। उस कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में लकड़ी का एक मंडप बना हुआ था और वहीं थोड़ी दूर पर सफेद कपड़े रखे हुए थे, जैसे कि किसी की मौत हुई हो। तभी योग माया के मुंह से निकला, ये कितना अजीब है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक बड़े बक्से पर पड़ी। योग माया ने उसे खोल कर देखा। बक्सा बिल्कुल खाली था, उसमें बस एक कागज पड़ा था। योग माया ने वो कागज निकाला तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, वो था डर। जैसे ही योग माया ने वो शब्द पढ़ा, अचानक कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा। पारस ने हैरत के साथ कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे के दो तरफ कागज की आकृतियों की एक एक लाइन थी। पारस की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, आकृतियों के चेहरों के भाव बदलने लगे। साथ ही उसे लगा जैसे कि दरवाजों की दरारों के बीच में से कोई उन्हें देख रहा हो। उसे लगा जैसे कि आकृतियों की लंबी लाइन उन दोनों को घूर रही थी। अब पारस के चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरने लगे थे। तभी पारस ने योग माया की बांह पकड़ी और बोला, मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आकृतियां हमें घूर रही हैं? ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। अब योग माया को भी लगने लगा कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने पारस के सर पर हल्के से मारा और बोली, तुम अपनी जुबान बंद रखो, हमें इस स्कैरी हाउस के ऑनर के बिछाए जाल में नहीं फंसना है। कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? पर अब पारस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी नजर फिर उन आकृतियों पर पड़ी और वो फिर बोला, मैम इन आकृतियों में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है जैसे कि हम उनके करीब जाएंगे तो वो जिंदा हो जाएंगी। मेरी बात मानिए मैम, यहां से चलिए चलिए मैम। योग माया ने पारस की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उस कमरे में एक और लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। योग माया ने सोचा इसमें कुछ होगा, पर उसका ढक्कन बहुत भारी था। उसने पारस को मदद करने के लिए कहा। पारस वहां लाइन में रखी आकृतियों से बचता हुआ आगे बढ़ा। दोनों ने बक्से को खोलने के लिए ताकत लगाई। एक, दो और ये तीन। उन्होंने ढक्कन को अभी हिलाया भर था कि उसके अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही दोनों ने अपने कान बंद कर लिए और ढक्कन को छोड़ दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। योग माया ने कहा, इसका मतलब आवाज इसी बक्से से आ रही थी। पारस सहम कर बोला, मैम मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि चलिए यहां से, भगवान के वास्ते निकल लो मैम। ये कहते हुए पारस हांफने लगा। योग माया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, भूत नहीं है ये, बस डर पैदा करने की एक ट्रिक है। चलो इस बक्से को खोलो, खोलो इस बक्से को। तब पारस ने हैरानी से कहा, आप अभी भी इसे खोलना चाहती हैं? आपने अभी देखा ना, इसे खोलने की कोशिश करते ही कैसी आवाज आने लगी थी। योग माया ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तुम बस चुप रहो और जो कह रही हूं वो करो। तभी योग माया को अपने मन में एहसास हुआ कि शायद उन्होंने ज्यादा ही बोल दिया। वो पारस को समझाने लगी, देखो पारस, आवाज इस बक्से से आई थी तो जाहिर सी बात है कि ये हमें डराने के लिए है। हमें डराने के लिए या तो इसमें कोई स्टाफ छुपा होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर हम डर के मारे इसे नहीं खोलते हैं तो इस घर के मालिक का मकसद पूरा हो जाएगा और हमें ये नहीं होने देना है। याद रखो हम यहाँ क्या सोच कर आए हैं। ये सुनकर पारस चुप हो गया और उसने हाँ में अपना सर हिलाया, पर वो अभी भी अंदर ही अंदर
बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ रहा था। दोनों ही पसीने से तर बतर हो चुके थे। खिड़की के नाम पर बस खिड़की का एक डिजाइन बनाया गया था। कमरे में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए शायद हमारे शरीर की गर्मी से तापमान बढ़ रहा है। लेकिन ठंड के मौसम में हमें इतनी गर्मी कैसे लग रही है? योग माया ने सोचा और पारस के साथ मिलकर बक्सा खोलने के लिए फिर कोशिश करने लगी। उसने पारस को इस बार पूरी ताकत लगाने के लिए कहा और खुद भी पूरी ताकत लगा दी। जैसे बक्से का ढक्कन खुलने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ और बक्से के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी अचानक एक लड़की के हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। योग माया और पारस घबराकर कई फुट पीछे जा गिरे, जिससे कई आकृतियां भी गिर गईं। तभी चरचराहट की आवाज हुई, जैसे कि सूखे पत्तों को मसला जा रहा हो। पारस जल्दी से उठा और बाहर भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाता, दरवाजा अपने आप बंद होने लगा और छोटी छोटी सैकड़ों कागज से बनी आकृतियां छत से निकलकर नीचे गिरने लगी। अब पारस वहां किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहता था। अभी तक वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था और उसने बंद हो रहे दरवाजे को अपनी पूरी ताकत के साथ खोला। तभी दरवाजे पर लाश के मेकअप के साथ तान्या वहां आ गई और उसने भूतिया आवाज में कहा, कहां जा रहे हो? अंदर चलो, चलो अंदर। ये कहकर तान्या पारस को रोकने की कोशिश करने लगी। अब पारस के मुंह से निकला, नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। ये कहते ही पारस तेजी से बाहर भाग गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। दूसरी तरफ योग माया कमरे में ही कैद हो गई। वो भी इस बार डर गई थी। वो पारस को रोकने के लिए चिल्लाई, पारस रुको, ऐसे मत भागो, मुसीबत में पड़ जाओगे पारस। पर पारस ने कोई जवाब नहीं दिया। योग माया भी पारस के पीछे बाहर जाने लगी, पर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। उसी वक्त योग माया ने एक लाल छाया को पारस के पीछे जाते हुए देखा। अब कमरे में वो अकेली थी। बस वहां कागज की आकृतियां हवा में उड़ रही थी और एक भयानक संगीत बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आकृतियां योग माया को खा जाएंगी। योग माया दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकली। फिर योग माया उस दिशा में गई जिस तरफ पारस भागा था। उसने पारस को पुकारा, पर पारस ने कोई जवाब नहीं दिया। तब योग माया ने साथ वाले कमरे में झांका, इस उम्मीद में कि पारस वहां छुप गया होगा। लेकिन पारस वहां भी नहीं था। अगले ही पल योग माया के दिमाग में अभी तक घटी सारी घटनाएं घूमने लगी। योग माया धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। फर्श पर कागज के नोट पड़े थे, जिन पर पांव पड़ते ही एक अजीब सी आवाज होने लगती थी। योग माया ने धीरे से दूसरे कमरे के पर्दे को हटाया। वो कमरा खाली था, बस वहां दो कांसे के शीशे दीवार के साथ एक दूसरे के सामने रखे हुए थे। योग माया ने सोचा, पारस को यही होना चाहिए था, वो और कहां जा सकता है? क्या कोई और भी रास्ता है जहां से वो बाहर निकल गया होगा? ये सोचते हुए योग माया ने एक गहरी सांस ली और शीशे के करीब गई। वहां कोई नहीं था। कांसे के शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। तभी योग माया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके मुंह से निकला, कौन है, कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। स्केरी म्यूजिक फिर से बजने लगा। योग माया ने वापस कांसे के शीशे की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजे पर लगा पर्दा अपने आप हट रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे कि एक चेहरा योग माया के पीछे आने लगा था। वो चेहरा योग माया को देखकर मुस्कुरा रहा था। योग माया
गुस्से में पीछे मुड़ी और बोली, कौन है, कौन है वहां? पर वहां कुछ नहीं था। योग माया चिल्लाना चाहती थी पर उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया ताकि वो खुद को घबराने से रोक सके। तभी उसकी नजर कांसे के दर्पण पर फिर से पड़ी। अब योग माया ने देखा कि उस दर्पण में उसके अपने चेहरे की जगह शादी की जोड़ी में लिपटी एक अजीब सी दिखने वाली लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़की को देखकर योग माया कांपने लगी और पहली बार उसने डर महसूस किया। वो लड़की तानिया थी जो दुल्हन के लिबास में लाश का मेकअप करके योग माया को डराने वहां आई थी। योग माया ने बहुत सी लाशें देखी थी इसलिए वो लाशों के चेहरों को पहचानती थी। वो उस चेहरे को देखकर शॉक्ड थी और उसके मुंह से निकला, तो क्या इस घर में एक लाश है? जैसे ही योग माया के मन में ये विचार आया वो कांसे के शीशे से दूर हटने लगी पर तभी वो पीछे किसी चीज से टकरा गई। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे शादी का जोड़ा पहने एक लड़की की लाश खड़ी थी जो असल में तानिया थी। लाश बनी हुई तानिया योग माया के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। योग माया ने सोचा, हाउ इज इट पॉसिबल, लाश कैसे चल सकती है? अचानक योग माया के मुंह से चीख निकली। वो चीख इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे गई। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसे अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब वो खड़ी नहीं रह पाई और वो वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूर कंट्रोल रूम में बैठे ध्रुव ने जब ये देखा तो वो जोर से चिल्लाया, तान्या, तान्या ने जल्दी बाहर लेकर आओ। भूत के गेटअप में खड़ी तान्या को ब्लूटूथ पर ध्रुव ने लगभग चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया। तान्या भी डर गई थी। उसने तुरंत कहा, ओके सर। इतना कहकर तान्या ने योग माया को संभाला और कहा, आपका विजिट टाइम पूरा हो चुका है, अब आप सुरक्षित हैं। फिर तान्या योग माया को बाहर लेकर आ गई। ध्रुव ने भाग कर जल्दी से स्केरी हाउस का दरवाजा खोला और योग माया को देखते ही बोला, ये अकेली क्यों है? इनके साथ जो लड़का था वो कहां गया? तान्या बोली, वो बहुत डरपोक था, वो जब कांसे के शीशे के सामने गया तो डर गया और बेहोश हो गया। मुझे लगा उसे ऐसे देखकर मैडम भी डर जाएंगी इसलिए मैंने उसे खींच कर वहीं बिस्तर के पीछे लिटा दिया था। तान्या ने जल्दी से सारी बातें बताई। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और उसके मुंह से निकला, बेहोश? क्या वो लड़का बेहोश हो गया है? फिर ध्रुव ने खुद को संभालते हुए तान्या से कहा, विजिटर्स की सुरक्षा सबसे पहले है इसलिए जब भी कभी ऐसी बात हो तो मुझे तुरंत बताया करो। तान्या ने कहा, जी आगे से ध्यान रखूंगी। फिर ध्रुव ने तान्या से योग माया का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद पारस को लेने के लिए स्केरी हाउस के अंदर गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि पारस ने ऐसा क्या देख लिया कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद ध्रुव पारस को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले आया। लोग अभी भी वहीं खड़े थे। पारस को इस तरह बेहोश देखकर वहां खड़े लोग हैरान थे। तभी किसी ने चुटकी ली और कहा, अपने पैरों पर चलकर अंदर गए और पीठ पर लद कर आए, यही है वो लाशों के साथ खेलने वाला। लेकिन इस बात पर कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब तरफ घबराहट का माहौल था। ध्रुव ने पारस के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तब पारस को थोड़ा होश आया। जैसे ही उसे होश आया उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अपने पूरे शरीर को छू कर देखा, फिर राहत की सांस लेते हुए बोला, हे भगवान, शुक्र है कि मैं बच गया भगवान, थैंक यू। स्टोरी सुनने से पहले आप सभी हमारे चैनल सीक्रेट ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। पारस भगवान का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि तभी भीड़ में से किसी ने कहा, क्या आप तब तक उस घर में घूमते रहे जब तक आप बेहोश नहीं हो गए? ये सवाल सुनकर पारस ने याद किया कि वो स्केरी हाउस के अंदर कितना डर गया था। अगले ही पल पारस पसीने से तर बतर हो गया और उसने कुछ नहीं कहा।
लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो हद से ज्यादा डरा हुआ था। तभी ध्रुव ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, ये लो पानी पियो। वहीं तानिया योग माया को लेकर बाहर आ रही थी, लेकिन लॉन में आने से पहले योग माया सीढ़ियों पर ही बैठ गई। योग माया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गहरे शॉक में हो। लॉन में खड़े लोगों ने जब योग माया की ऐसी हालत देखी तो वो सारे लोग बिना स्केरी हाउस के अंदर गए ही बहुत ज्यादा डर गए। जब योग माया स्केरी हाउस के अंदर गई तो वो काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी, पर अब उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसकी आंखें जो पहले कॉन्फिडेंस से चमक रही थी उन आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। साथ ही डर से योग माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तान्या ने योग माया को पानी की बोतल दी, लेकिन बोतल लेते हुए भी उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, आप तो कहती थी कि आपने लाशें देखी है, तो आप डर क्यों गई? किसी और ने कहा, और इस लड़के ने ऐसा क्या देख लिया जो ये बेहोश हो गया? इस बात से ध्रुव भी परेशान था। उसे पता था कि इस तरह पारस का बेहोश होना उसके बिजनेस के लिए ठीक नहीं था। इससे उसके स्केरी हाउस की बैड पब्लिसिटी हो जाती और वहां लोगों के आने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते। तान्या ने बाहर आने से पहले अपना मेकअप साफ कर लिया था, इसलिए लोगों को स्केरी हाउस के अंदर क्या स्केरी है ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी ध्रुव ने लोगों से कहा, आप लोग शोर मत मचाइए, सब ठीक है। हमारी थीम ही लोगों को डराना है, तो हम लोगों ने इस थीम के अकॉर्डिंग ही काम किया है ना। तभी ध्रुव के चाचा गोपाल रस्तोगी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने ध्रुव का वायरल वीडियो देख लिया था और उसी के बारे में बात करने वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें ध्रुव भीड़ के सवालों से घिरा हुआ दिखाई दिया। पारस को देखते ही गोपाल ने पूछा, क्या हो गया, ये लड़का बेहोश कैसे हो गया? गोपाल को वहां देखकर पहले तो ध्रुव हैरान रह गया, फिर उसने कहा, चाचा जी लगता है इन्हें हीट स्ट्रोक लगा है। तभी पारस ने इधर उधर देखा और अपने आप में बड़बड़ाने लगा, वो शीशा, वो कांसे का शीशा। ये सुनते ही लोग फिर से फुसफुसाने लगे, क्या इस पर भूतों का साया पड़ गया है? लोगों को कानाफूसी करते देख ध्रुव ने कहा, अब प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ध्रुव को इस बात का डर था कि पारस के साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जो नॉर्मल नहीं था, जैसे उसके साथ पिछले दो दिन से हो रहा था। लेकिन ध्रुव बचपन से इसी तरह के माहौल में पड़ा बड़ा था, इसलिए उसे इस हद तक डर नहीं लगा था। अभी ध्रुव को किसी भी कीमत पर इस स्थिति को संभालना था। तभी पारस ने कहा, मैं अब ठीक हूं। हालांकि पारस को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ठीक था, लेकिन वो सबके सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ कहा। तभी गोपाल ने पूछा, पर तुम बेहोश कैसे हो गए थे? पारस ने अपना सर खुजलाया और बोला, मुझे नहीं पता, पर जब मैं एक कांसे के शीशे के सामने गया तो वहां कुछ तो हुआ और मैं बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वहां क्या हुआ था। जैसे उसने ये कहा, गोपाल ने ध्रुव की तरफ देखा और बोले, ये कांसे के शीशे का तुम्हारे स्केरी हाउस के साथ कोई लेना देना है? ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, अब हाँ मैं देखता हूँ ऐसा क्यों हुआ। पारस की कांसे के शीशे वाली बात ने ध्रुव को कंफ्यूज कर दिया था। उसे पिछली रात वाली घटना याद आ गई, जब उसकी गुड़िया ने शीशे के सामने आकर ध्रुव को बचा लिया था। ध्रुव को इस बात का डर था कि शायद दूसरी दुनिया से कोई इस दुनिया में आ चुका था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे वापस कैसे भेजा जाए। तब गोपाल ने कहा, तुम अपने स्केरी हाउस में क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हो और उसके बारे में तुम्हें खुद ही पता नहीं? ये सुनते ही ध्रुव बड़े धर्म संकट में फंस गया और सोचने लगा, अब मैं सबको कैसे बताऊं कि इस घर में कोई और मौजूद है?
और अगर बता भी देता हूँ तो कौन विश्वास करेगा? फिर मेरा ये स्कैरी हाउस तो बंद होगा ही, साथ में मुझे भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। तभी ध्रुव को एक आइडिया आया। उसने पारस के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये एक नया आइडिया है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कल रात ही मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर इसके कुछ नियम हैं। अगर आप लापरवाही से खेलेंगे तो आप फंस सकते हैं। अब मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए आप फंस गए। डरो मत, स्कैरी हाउसेस में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इतना कहते ही ध्रुव वहां खड़े लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, और कौन एक्सपीरियंस करना चाहता है? लोगों के बीच से आवाज आई। एक मेडिकल का छात्र डर कर बेहोश हो गया और दूसरा डर कर अपनी जुबान भी नहीं खोल पा रही है। और तुम पूछ रहे हो कि कौन एक्सपीरियंस करना चाहता है? नहीं करना हमें एक्सपीरियंस। वहां मौजूद लोग सच में डरे हुए थे। अब ध्रुव परेशान होकर सोचने लगा, जब मेरा घर डरावना नहीं था तो लोग इसके डरावने नहीं होने के लिए गाली देते थे, और अब जब ये डरावना है तब भी यहाँ आना नहीं चाहते। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? ध्रुव को गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, मैं आज टिकट पर डिस्काउंट 60% देता हूं। अब बताइए कौन आना चाहेगा? तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ उठाया और बोला, मुझे एक टिकट दो। लोग हैरानी से आंखें फाड़ कर उस आदमी की तरफ देख रहे थे। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल थी। ध्रुव भी उत्साहित हो गया और उसने पूछा, क्या आप अकेले ही अंदर जाना चाहेंगे? उस बूढ़े आदमी ने हाँ में अपना सर हिलाया। ध्रुव ने उस आदमी को स्कैरी हाउस के नियम समझाने के लिए जैसे ही बोलना शुरू किया, वो आदमी टिकट लेकर तेजी से स्कैरी हाउस के विपरीत दिशा की तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव पीछे से चलाया, सुनिए गेट इस तरफ है, उस आदमी ने कहा। मैं जानता हूं, कहते ही वो स्कैरी हाउस के पीछे खाली जगह पर गया और उसने अपने टिकट की फोटो खींची और उसी वक्त उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर कैप्शन लिखा, आज मैंने कर दिखाया मेरी स्कैरी हाउस की सफल विजिट। ये देखकर वहां खड़े दर्शक हैरत में पड़ गए और आपस में कहने लगे, ये आदमी स्कैरी हाउस के अंदर नहीं गया और दुनिया को दिखा रहा है कि इसने डर को जीत लिया। फोटो अपलोड करते ही उस आदमी को कमेंट्स भी आने लगे। अब वो किसी की परवाह किए बिना कमेंट्स के जवाब देने में बिजी हो गया। वहां खड़े सभी लोग उस आदमी को देखकर हंसने लगे। तभी उनमें से एक लड़का ध्रुव के पास आया और बोला, मुझे भी एक टिकट चाहिए। तभी एक और आया, उसने कहा, अब मुझे दो दीजिए, कोई घर के अंदर नहीं गया। पर बहुत सारे टिकट बिक चुके थे और जब भीड़ वापस गई तो ध्रुव के पास अच्छा पैसा आ चुका था। ये देखकर वो बहुत खुश था। तभी पास में खड़ी तानिया उत्साहित होकर बोली, सर ये हमारे इस महीने की सबसे ज्यादा कमाई है। ये बोलते हुए तानिया की आवाज से खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। ध्रुव ने भी हंसते हुए कहा, हाँ तानिया, आज तो हमने किसी तरह से ये सब मैनेज कर लिया है, पर अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आगे से हमें और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ये कहते ही उसने एक नजर मेडिकल के छात्र पारस और प्रोफेसर योग माया की तरफ देखा। योग माया अभी भी सीढ़ियों पर ही बैठी थी, उसकी आंखों में अभी भी घबराहट थी। वहीं पारस उसके पास ही रेलिंग के सहारे खड़ा था। ध्रुव उनके पास गया और बोला, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? पारस ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, इसके लिए सॉरी। जैसी पारस ने यह कहा, ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये स्कैरी हाउस है, यहाँ ये सब होता रहता है। तभी योग माया ने ध्रुव की तरफ अजीब नजरों से देखा और पूछा, मेरे मन में दो सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ध्रुव ने सम्मान के साथ कहा, जी मैम जरूर पूछिए। तब योग माया उस आईने वाले सीन को याद करते हुए बोली, मुझे ये बताइए कि मैंने इस लड़की का चेहरा आईने में देखा था, पर ये बाद में मेरे पीछे कैसे आ गई? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इल्यूजन का कमाल है, एक्चुअली वहां एक नहीं बल्कि एक के पीछे एक तीन मिरर्स हैं। मिरर में हमने लड़की की फोटो डाली है, जिसे लाइट और स्पेशल इफेक्ट डालकर उसमें जिंदा होने का एहसास कराया जाता है। ध्रुव ने विश्वसनीय तरीके से अपनी बात रखी, इसमें वो एक्सपर्ट था,
ये सुनकर योग माया ने संतुष्टि में अपना सर हिलाया और फिर बोली, दूसरा सवाल, ये लड़की जिंदा कैसे है जबकि इसे देखकर लगता है ये एक लाश है। मैं ह्यूमन एनाटॉमी पर रिसर्च करती हूँ और मैं लाशों के बारे में गहराई से जानती हूँ। ये चेहरा एक लाश का है पर ये जिंदा है, ऐसा कैसे? ध्रुव ने जब योग माया की ये बात सुनी तो उसे टास्क पूरा करने पर गिफ्ट में मिले पेंटिंग स्किल की याद आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैम ये और कुछ नहीं है, बस मेकअप स्किल्स का कमाल है। ये हमारे स्कैरी हाउस का सीक्रेट है, इसे हम बता नहीं सकते। ये सुनते ही योग माया ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, इस लेवल का स्किल तो बहुत सस्पिशियस है। ध्रुव बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए उसने कहा, अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। इस तरह ध्रुव ने इनडायरेक्टली उन दोनों को वहां से जाने का इशारा कर दिया। पारस और योग माया के जाने के बाद ध्रुव अकेला ही कंट्रोल रूम में चला गया। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। वो इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर पारस के साथ आने वाले रूम में क्या हुआ होगा। ध्रुव ने स्कैरी म्यूजिक को बंद किया और सर्विलांसेस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगा। वीडियो देखते ही ध्रुव के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये क्या है? ये वीडियो देखकर ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। बेचैन होकर ध्रुव बार बार उस वीडियो को प्ले करने लगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था पारस घबराया हुआ कमरे में गया, लेकिन कांसे के शीशे के सामने जाते ही वो एकदम शांत हो गया। फिर वो शीशे की तरफ एक टक देखने लगा। अचानक पारस ने अपना बायां हाथ उठाया और शीशे के पास जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जबरदस्ती शीशे के अंदर से उसका हाथ अंदर खींच रहा हो। पारस शीशे के पास लगभग चिपक गया था और तभी पीछे से शादी की ड्रेस पहने तान्या वहां आ गई। अचानक शीशे में कुछ चमका और तुरंत ही पारस बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी ध्रुव के मन में एक ख्याल आया, इसका मतलब तान्या के आने से पारस बच गया। ध्रुव ने वीडियो को बार बार देखा, उसने महसूस किया कि ये सब 30 सेकंड के अंदर हो गया था। ध्रुव सोचने लगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस चीज से निपटने का तरीका खोजना होगा, इसे खत्म करना होगा, नहीं तो मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अब ध्रुव के लिए स्कैरी हाउस के सारे आईने एक चुनौती बन गए थे। उसे नहीं पता था कि वो स्कैरी चीज कौन से आईने में होगी और ना ही उसे ये पता था अब उसे क्या करना है। कंट्रोल रूम से उठकर ध्रुव प्रॉप रूम में गया और वहां से कुछ काले कपड़े के टुकड़े लेकर जब वो वापस कंट्रोल रूम में लौटा तो उसने देखा कि वहां तान्या सामान समेट रही थी। अगले ही पल ध्रुव कंट्रोल रूम में लगे कांसे के आईने को काले कपड़े से ढकने लगा। ये देखकर तान्या हैरान हो गई और उसने पूछा, सर ये क्यों कर रहे हैं आप? तान्या का सवाल सुनकर ध्रुव ने बहाना बनाते हुए कहा, अब ये अगले थीम के लिए जरूरी है इसलिए तुम इस कपड़े को आईने के ऊपर से मत हटाना जब तक मैं ना कहूँ, समझ गई? स्टोरी सुनने से पहले आप सभी हमारे चैनल सीक्रेट ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तान्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर मैं समझ गई। ध्रुव ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, अब तुम जाओ और रेस्ट करो। ये कहकर ध्रुव सीधा उस कमरे में गया जहां पारस बेहोश हुआ था। कमरे में पहुंचते ही ध्रुव ने उस आईने को गौर से देखा जिसके सामने पारस बेहोश हुआ था। ध्रुव को उस आईने में देखने पर कुछ अजीब लगा। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, मैंने जब पारस को पीने के लिए पानी दिया था तो उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया था, इसका मतलब है कि पारस लेफ्टी नहीं है। जब रिकॉर्डिंग में साफ देख रहा था कि आईने की तरफ उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही पजेस्ड हो चुका था। ये सोचते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे में चला गया। वहां ध्रुव को बेड पर रखा हुआ काला फोन दिखाई दिया। वो वहीं बैठकर उस काले फोन को देखते हुए सोचने लगा, इसी फोन के मिलने के बाद ये सब शुरू हुआ है।
हो ना हो अब इसी फोन में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। तभी फोन अपने आप ऑन हो गया। ध्रुव ने फोन के स्क्रीन पर बने हुए गेम के आइकन पर क्लिक किया। ध्रुव ने नोटिस किया कि अब गेम का इंटरफेस चेंज हो गया था। गेम में उस दिन की तारीख के साथ रेटिंग और विजिटर्स की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये देखते ही ध्रुव समझ गया इस गेम का उसके स्कैरी हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो मन ही मन सारी कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए बोला, या इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिस्की टास्क को पूरा करूंगा तो मुझे इनाम भी बड़ा मिलेगा और मेरी स्किल भी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने स्केरी पेंटिंग की स्किल को पा लिया, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे मेरे स्कैरी हाउस में मौजूद बुरी ताकतों से लड़ना है तो फिर मुझे मुश्किल टास्क को पूरा करना ही होगा। ये सब सोचते हुए ध्रुव ने नेक्स्ट टास्क पर क्लिक किया, जो कि तीसरा लेवल था। अगले ही पल फोन से आवाज आई, एक हत्यारे की खोज। हत्यारा एक सनकी आदमी है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होगी। जगह न्यू हाइट्स होम स्टे कोठाल गेट, यहां से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर दूर। फिर इंस्ट्रक्शंस में लिखा था, आज रात 11 बजे तक तुम्हें उस होम स्टे में पहुंचना है। वहां पहुंचकर हत्यारे को ढूंढना है और सुबह तक जिंदा रहना है। ध्रुव स्क्रीन पर दिख रही सभी जानकारी को पढ़ते हुए हैरानी से बोला, हत्यारे को ढूंढना है? ओ गॉड, ये मैं कहां फंस गया? मैं एक डिजाइनर हूं, कोई जासूस या पुलिस नहीं हूं। और सुबह तक जिंदा रहने का क्या मतलब है? यानी कि इस टास्क में मौत का खतरा है? नहीं, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। अभी तो मुझे मम्मी पापा को ढूंढना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सोचते हुए ध्रुव ने फोन को वापस अपनी माँ की अलमारी में बंद कर दिया। ध्रुव वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी फिर से फोन से आवाज आई, इस टास्क में जान का खतरा है। हत्यारा तुम्हारे कमरे के बाहर घूम रहा होगा और तुम्हें वहां से सुरक्षित वापस आना है, और तुम इस गेम को चाहकर भी क्विट नहीं कर सकते। ये सुनते ही ध्रुव घबरा गया। उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो फोन के पास आएगा ही नहीं तो उसे शायद ये गेम नहीं खेलना पड़ेगा। ये सोचकर ध्रुव उस कमरे से निकल गया। कमरे से निकलने के बाद ध्रुव ने उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर ध्रुव जैसे ही नीचे आकर अपने कमरे में बैठा, एक बार फिर से उसे तेज वाइब्रेशन की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो वाइब्रेशन बिल्कुल उसके अंदर से आ रही हो। तब ध्रुव ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा, और जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ अपनी जेब से बाहर निकाला, उसका कलेजा उसकी हलक में आ गया, क्योंकि ध्रुव के हाथ में उसकी माँ का पुराना काले रंग का फोन था। घबरा कर ध्रुव ने फोन को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल फोन से आवाज आई, तुम इस टास्क से नहीं बच सकते। तुम्हें हत्यारे की पहचान के लिए एक क्लू दिया जाता है, मासूमियत के पीछे घिनौना चेहरा। क्लू के शब्दों पर ध्यान दे, गुड लक। ये सुनकर ध्रुव बेचैन हो गया। तभी ध्रुव की नजर फोन की स्क्रीन पर बने एक टर्न द व्हील आइकन पर पड़ी। वहां पर लिखा था, स्पिन द व्हील एंड सी द मैजिक। बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव ने उस व्हील पर क्लिक कर दिया। असल में वो एक भूतहा लॉटरी थी, और ध्रुव के उस व्हील पर क्लिक करते ही वो व्हील तेजी से घूमने लगा, और जैसे ही वो रुका, फोन से फिर से आवाज आई, एक दुर्लभ वस्तु, एक कर्स्ड लव लेटर पाने के लिए बधाई। आपको संजोगनी का प्रेमी होने का खिताब दिया जाता है। ये सुनते ही ध्रुव ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, यार अब ये संजोगनी कौन है और मैं उसका प्रेमी क्यों बनूंगा? तभी फोन पर एक नया लिखा हुआ मैसेज आ गया, संजोगनी खून से लथपथ पड़ी थी। ये एक दर्दनाक मौत थी, उसकी आंखें खुली थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, पर मरने से पहले वो बहुत गुस्से में थी। ये पढ़ते ही ध्रुव शॉक्ड हो गया। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसे अब गुस्से की जगह हंसी आ गई। वो बुदबुदाया, अभी तक कांसे के आईने के भूत को तो भगा नहीं पाया, और अब ये भूतनी मेरे गले पड़ गई। ओ गॉड, क्या किस्मत है मेरी।
ध्रुव को लग रहा था कि उसने ये भूतिया लॉटरी खेलकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तभी अचानक ध्रुव को बहुत तेज गर्मी का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि ठंड के मौसम में भी उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। थोड़ी ही देर में ध्रुव पसीने पसीने हो गया और उसे लगा जैसे कि अगर उसने जल्दी से फैन नहीं चलाया तो गर्मी से उसकी जान ही चली जाएगी। गर्मी के मारे उसका दम घुटा जा रहा था। लपक कर ध्रुव ने पंखा चला दिया, लेकिन पंखा चलाते हुए ध्रुव के ऊपर सूखे हुए लाल गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। तभी एक बार फिर से वो गिटार की धुन ध्रुव को सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो धुन उसी के बाथरूम से सुनाई दे रही थी। हैरान ध्रुव बेचैनी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तभी ध्रुव को लगा जैसे कि उसके बाथरूम में शावर चल रहा है। ध्रुव हैरान था कि उसके बाथरूम में कौन हो सकता है। उसने तो तान्या को स्टाफ क्वार्टर जाने के लिए कह दिया था। घबराते हुए ध्रुव ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाथरूम के अंदर शावर बंद था, लेकिन आईने के ऊपर भाप पड़ी थी जैसे कि कोई अभी वहां से नहाकर बाहर निकला हो। तभी ध्रुव की नजर आईने पर पड़े भाप पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। आईने पर लिखे ये शब्द पढ़ते ही ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव को लगा जैसे उसे किसी ने जहर पिला दिया हो और वो बुदबुदाया, अरे बाप रे, क्या किस्मत पाई है मैंने, जिंदगी में पहला लव लेटर मिला भी तो एक भूतनी का। ओह गॉड। अभी ध्रुव ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। ध्रुव ने तुरंत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला तो उसने देखा कि उसे तान्या ने कॉल किया था। ध्रुव ने फोन उठाकर कहा, हाँ तान्या बोलो। सर, मैंने अभी अभी ऊपर के फ्लोर पर एक लड़की की कॉस्ट्यूम लटकी हुई देखी है। वो छाया की तरह ऊपर के फ्लोर पर घूम रही थी। क्या आपने कोई डमी घोस्ट बनाए हैं अगले स्केरी थीम के लिए? तान्या की ये बात सुनकर ध्रुव की बोलत ही बंद हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो तान्या को क्या जवाब दे। फिर बात बदलते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ मैं अगले थीम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना था? जवाब में तान्या ने शर्माते हुए कहा, कहना तो कुछ और भी था, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ध्रुव को इस बात का एहसास हो रहा था कि तान्या उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और छुप छुप कर उसे देखती रहती है, लेकिन अभी ध्रुव के सामने उसके मम्मी पापा को ढूंढने के अलावा इस स्केरी हाउस को बचाना उसकी प्रायोरिटी थी। इसलिए उसने अनजान बनते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब कंफर्टेबल हो तब कह देना, अब सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि आईने पर लिखा हुआ मैसेज अब लाल रंग से लिखा हुआ था और थोड़ी देर बाद उसे पूरे मैसेज से खून टपकने लगा। एक बार फिर ये सब देखकर ध्रुव घबरा गया और तुरंत वहां से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। तभी लॉन के दूसरे छोर पर बने हुए स्टाफ क्वार्टर से तान्या ने ध्रुव को देख लिया और वो भी वहां चली आई। ध्रुव ने तान्या को देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तो तुम्हें सोने के लिए कहा था ना? जवाब में तान्या ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही सर। अचानक तान्या ने जोर से चिल्लाकर कहा, सर सर, ये आपके पीछे दो छाया कौन है? कहते हुए तान्या ने अपने हाथ से ध्रुव के पीछे इशारा किया। ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने ठीक पीछे दो परछाइयां दिखाई दी, एक लंबी और एक छोटी। लेकिन ध्रुव के देखते ही वो दोनों परछाइयां गायब हो गई। परेशान होकर ध्रुव बेंच पर बैठ गया। तब तान्या बोली, सर पिछले कुछ दिनों से इस घर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। ध्रुव ने तान्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने तान्या को वहां से जाने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में वापस लौट गया। कमरे में वापस आते ही ध्रुव ने सोचा, मैंने खुद अपनी आंखों से दो परछाइयां देखी हैं, इसका क्या मतलब है? तभी ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैसे ही ध्रुव ने उस मैसेज को खोला, उस पर लिखा था, उसने तुम्हारी परछाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, धीरे धीरे वो तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। ये पढ़कर ध्रुव का सर चकरा गया। तभी उसने सोचा, ऐसे तो वो संजोगनी का भूत तान्या को भी परेशान कर सकती है,
फिर ध्रुव ने सोचा, एक बात तो कंफर्म है कि वो भूतनी मुझे पसंद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे हेल्प करेगी और इस तरह वो मेरे बिजनेस के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर सचमुच ऐसा है तो मेरे साथ एक भूतनी का होना बुरा नहीं है। ध्रुव बस अपने मन को बहला रहा था। हकीकत में वो जानता था कि संजोगनी नाम की वो भूत किस हद तक खतरनाक हो सकती थी। तभी ध्रुव के मोबाइल पर कुछ नए कमेंट्स आने के नोटिफिकेशन आए। ध्रुव ने जैसे ही उन्हें खोला, उसके सबसे ऊपर मेहुल नाम के एक लड़के का मैसेज था, जिसने लिखा था, तुम्हारी घटिया स्केरी हाउस से लौटकर आने के बाद हमारी योग माया मैडम कोमा में चली गई। पता नहीं तुम लोगों ने उन्हें ऐसा क्या दिखाया कि योग माया मैम एक जिंदा लाश बन गई है। लेकिन ये मत समझना कि तुम जीत गए, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी जाएगी। अब हम लोग तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारी पोल खोलेंगे। ये मैसेज पढ़कर ध्रुव बड़ा बेचैन हो गया। लेकिन तभी ध्रुव को उसके अगले टास्क की याद आई और वो इंटरनेट पर न्यू हाइट्स होम स्टे कोठाल गेट के बारे में सर्च करने लगा। इंटरनेट पर उस गेस्ट हाउस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर जितनी भी थी वो बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। कहीं पर लिखा था, ये एक भूतिया इमारत है और इसका मालिक यहां आने वाले लोगों को गुमराह करता है। इसकी दीवार में लाशें छुपाई गई हैं और यहां हमेशा खून की गंध रहती है। शिकायत करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस होम स्टे के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा ही बहुत कुछ होम स्टे के बारे में लिखा हुआ था। ये सब पढ़कर ध्रुव का मन बहुत अजीब हो गया। अब ध्रुव बहुत स्ट्रेस में था। उसे आज रात एक ऐसी जगह रहना था जहां एक सनकी हत्यारा खुलेआम घूम रहा था। वो मन ही मन खुद से बोला, मैं भूतों से नहीं डरता, पर ये एक सनकी हत्यारा है, मैं कैसे खुद की रक्षा कर पाऊंगा। फिर ध्रुव ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 8:30 हो रहे थे। ध्रुव चुपचाप अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा। अभी ध्रुव अपने गेट से बाहर निकला ही था कि उसे फिर से काले फोन की आवाज सुनाई पड़ी। मिशन के लिए तैयार हो, एक चाकू, एक लाइटर और एक हथौड़ा साथ ले जाना। ये सुनते ही ध्रुव को लगा जैसे कि वो किसी की हत्या करने के लिए जाने वाला हो। जल्द ही ध्रुव ने इंस्ट्रक्शंस में बताए सारे सामान को पैक किया और बाहर आ गया। निश्चित तौर पर ध्रुव ने अपने लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। न जाने अब वो उसे किस तरफ ले जाएगा। फिर ध्रुव अपनी स्कूटी से मोबाइल पर लोकेशन सर्च करता हुआ कोठाल गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मोबाइल पर एड्रेस गायब हो गया। अब ध्रुव के पास किसी से पता पूछने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ध्रुव को एक दूध वाला अपनी साइकिल से जाता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव ने उसे रोककर उससे होम स्टे पता पूछा। वो पता सुनते ही दूध वाले ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा और घबराहट के साथ बोला, आपको इस वक्त वहां क्यों जाना है? वहां मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। ध्रुव ने पूछा, ऐसा क्यों? दूध वाले ने थूक निकलते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वहां रात को एक पागल हत्यारा घूमता है और जो भी वहां जाता है वो उसका कत्ल करके उसे रातों रात दीवार में ही दफना देता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो एक भूतिया जगह है, इसलिए उस जगह रात को नहीं जाना चाहिए और वहां कोई रुकता भी नहीं है। ध्रुव ने पूछा, तो क्या उस होम स्टे का मालिक भी वहां नहीं रहता? घबराते हुए दूध वाले ने कहा, देखिए साहब, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने भी बस सुना है। वैसे भी कोठाल गेट की तरफ जो रोड जाती है वो आगे जाकर बंद हो जाती है, फिर आगे 2 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर ध्रुव ने दूध वाले से पता समझ लिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए ध्रुव सोच रहा था, किसी ने ऐसी जगह पर होम स्टे क्यों बनाया होगा। दूध वाले की बताई हुई जगह पर पहुंचकर ध्रुव ने अपनी स्कूटी को एक पेड़ के नीचे लगाया और पैदल ही आगे बढ़ गया। अब ध्रुव एक संकरी घास फूस वाली सड़क पर चल रहा था। जगह जगह होम स्टे का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे फॉलो करते हुए ध्रुव आधे घंटे में न्यू हाइट्स होम स्टे के गेट पर पहुंच गया।
वो उस 3 मंजिला इमारत को देखकर एकदम खामोश था और बिना पलक झपकाए उस भूतिया इमारत को देख रहा था। बाहर की दीवारों का रंग भूरा हो चुका था, शायद कई सालों से इसमें पेंट नहीं हुआ था। लोहे के गेट को जंग खा रहा था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। ये बिल्कुल एक फिल्मी भूतिया बिल्डिंग लग रही थी, जहां चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये नजारा देखकर ध्रुव स्पीचलेस था। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, ये कहां फंस गया मैं। ध्रुव के मन में उथल पुथल बढ़ रही थी और इसी के साथ उसके कदम भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो जंग लगे गेट तक पहुंचा, तभी अचानक एक चेहरे ने उसे गेट की दरार में से झांक कर देखा। अंदर हल्की रोशनी थी। ध्रुव को देखते ही उसने अजीब सी स्माइल की और वहां से अचानक कहीं गायब हो गई। वो एक महिला थी, पर दिखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। ध्रुव ने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो गेट का हैंडल पकड़ने को हुआ, उसकी नजर हैंडल के साथ फंसाए गए एक कागज पर पड़ी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कागज को खींचा। वो किसी की गुमशुदगी एडवर्टीजमेंट था। उसमें लिखा था, नाम काजल, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 4 इंच, पतली, नाक के पास काला तिल। जिस किसी को भी मिले कृपया केतन से संपर्क करें। नीचे केतन नाम के व्यक्ति का पता दिया हुआ था। पता देखकर ध्रुव दंग रह गया। पता ऐसी बिल्डिंग का था। उसने सोचा, ओह गॉड, ये सब क्या है। आज रात न जाने मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। जैसे ही ध्रुव होम स्टे के अंदर दाखिल हुआ, तभी ऊपर के फ्लोर से एक भयानक आवाज आई, तुम कौन हो। ध्रुव ने ऊपर देखा तो दूसरी मंजिल पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। फिर वो आदमी सीढ़ियों से लंगड़ाते हुए नीचे आया। उसे देखते ही ध्रुव ने कहा, क्या आप यहाँ के मालिक हैं? मुझे कमरा चाहिए। होम स्टे के मालिक तरुण ने बेरुखी से पूछा, कितने दिनों के लिए। ध्रुव ने जवाब दिया, बस आज रात के लिए। तरुण ने कहा, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ध्रुव ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। तब तरुण ने कहा, 1 रात के 1000 रुपए। ध्रुव ने कहा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। तरुण ने कहा, यहाँ 2 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, और रात में तुम कहाँ जाओगे। तब ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तरुण ने कहा, पेमेंट के लिए दूसरी मंजिल पर चलो। ध्रुव उसके पीछे ऊपर जाने लगा, तभी पीछे से गेट के खुलने की आवाज आई और गंदे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक कागजों का बंडल था। उसे देखते ही होम स्टे के मालिक तरुण के तेवर बदल गए और वो गुस्से से चिल्लाया, केतन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ मत आया करो। अगर तुमने यहाँ आना बंद नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ आगे जो होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। तरुण की धमकी को अनसुना करते हुए केतन सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी तरुण ने उसे धक्का दे दिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। केतन दीवार से जा टकराया और उसके हाथ में पकड़ा बंडल नीचे गिर गया। सारे कागज जमीन पर बिखर गए। उसमें से कागज ध्रुव के पास आकर गिरा। ध्रुव ने ध्यान से देखा, वो कागज वही एडवर्टीजमेंट थी जो उसने अभी कुछ देर पहले गेट पर देखा था। तभी तरुण ने कहा, इस पर ध्यान मत दो, ये पागल है। जैसे ही तरुण ने पागल शब्द कहा, ध्रुव का माथा ठनका। कहीं ये तो वो कातिल नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। ध्रुव ध्यान से उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करने लगा। ध्रुव ने जानबूझकर उसके हाथ में एडवर्टीजमेंट का कागज पकड़ाया जो अभी अभी उसके पांव के पास गिरा था। उसने फुसफुसाकर ध्रुव को थैंक्स कहा। ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और तरुण के पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर बहुत गंदी और सीलन भरी थी। एक अजीब सी गंध हर जगह से आ रही थी। तरुण ध्रुव को कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम तक ले गया और उसे कमरा दिखाकर बोला, आप यहाँ रह सकते हैं। ध्रुव ने सवाल किया, क्या मुझे पहली या तीसरी मंजिल पर कमरा नहीं मिल सकता। ध्रुव की बात सुनकर तरुण चिढ़ गया और झुंझुला कर बोला, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मैंने कहा ना, आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, ठीक है ना।
फिर तरुण ने चाबियों का गुच्छा ध्रुव को पकड़ाया और कहा, ये लो इसमें अपने ताले का नंबर ढूंढ लो। ध्रुव ने चाबियों का गुच्छा लिया और तरुण की तरफ हैरान होकर देखा। फिर जैसे ही तरुण वहां से जाने लगा, ध्रुव ने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? तरुण ने फिर रूखेपन से जवाब दिया, पानी नहीं है। इतना कहते ही वो बगल वाले कमरे में घुस गया। दरवाजा अभी आधा खुला था तभी ध्रुव ने देखा एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा करहा रहा था। ध्रुव ने सोचा, इसका मतलब शायद तरुण मकान मालिक है और इसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। ध्रुव और जानने के लिए वहीं खड़ा रहा, पर फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ो अभी आराम कर लेता हूँ, 3 घंटों से चल ही रहा हूँ। ये सोचकर वो अंदर घुस गया। कमरा पूरी तरह से धूल से भरा था, सीरियल की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था काफी टाइम से इस कमरे को खोला नहीं गया था। ध्रुव ने सोचा, ऐसे कमरे में कौन सो सकता है। ध्रुव ने बिस्तर को झाड़ा और अपना बैग बिस्तर पर रख दिया। तभी बगल वाले कमरे से बर्तन फेंकने की आवाज आई, उसके साथ ही तरुण के चिल्लाने की आवाज आई और साथ में बूढ़े के रोने की आवाज भी आने लगी। ध्रुव दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगा। तभी टीवी की आवाज तेज हो गई। उस आवाज में बूढ़े आदमी के रोने की आवाज बंद हो गई। ध्रुव को यह बहुत अजीब लगा। वो उनकी बातें सुनना चाहता था, पर टीवी की आवाज में उन दोनों की आवाजें कहीं दब गई। हार कर ध्रुव ने सोचा, छोड़ो इन्हें, पता नहीं आज की रात क्या होने वाला है। अगर काले फोन ने मुझे इसके लिए चुना है तो यहाँ कुछ तो है भाई। ध्रुव ने चाकू निकाला और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। उसके पास एक मल्टीपर्पज हथौड़ा था। उसने उसे निकालकर दीवारों को थप थपा कर देखा, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो मन ही मन बोला, मैंने नेट पर पढ़ा था कि यहाँ दीवारों में लाशें छुपाई हुई हैं और वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। ये ख्याल आते ही ध्रुव ने एक दीवार को खरोंच कर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था। बस दीवार में लगा सीमेंट भर भरा कर गिर रहा था और सीमेंट के नीचे की परत काली थी, जैसे कि वो जली हुई हो। ध्रुव बेड पर बैठ गया और अभी तक की घटनाओं की कड़ियों को आपस में जोड़ने लगा। मुझे मकान मालिक ने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया है, इसका मतलब इस मंजिल पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या मुझे तीसरी और पहली मंजिल पर जाकर हत्यारे को ढूंढना होगा? यही करना पड़ेगा। ध्रुव ने हथौड़ा किनारे पर रखा और बाहर जाने के लिए दरवाजे तक गया। अभी उसने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि वो हक्का बक्का रह गया। बिल्डिंग का मालिक ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। ध्रुव ने दरवाजा खोला और थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, आप मेरे दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ध्रुव नाराज तो था ही, साथ ही साथ वो अंदर ही अंदर डरा हुआ भी था। तभी तरुण ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम प्यासे हो। ध्रुव को ये आदमी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी उसने धन्यवाद कहा और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में आ गया। पीछे से चेतावनी के अंदाज में तरुण बोला, जल्दी सो जाओ और इधर उधर मत घूमना, यहाँ ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, रोशनी भी नहीं यहाँ ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कहते हुए वो ध्रुव को धमकी दे रहा था। ध्रुव ने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। ये आदमी दिखने में जितना अजीब है, बात करने में उससे भी बहुत बुरा है। कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं है? या फिर ध्रुव सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के सीन याद करते हुए सोचने लगा, ये आदमी मकान मालिक है और इसके पास मेरे कमरे की एक और चाबी होगी। यार ध्रुव जरा बच के भाई, ये मकान मालिक सस्पिशियस है, अब इसके बारे में किससे जानकारी हासिल करूं? ध्रुव बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, अभी तक मैं यहाँ 4 लोगों को देख चुका हूँ। सबसे पहले एक अजीब महिला, फिर वो पागल केतन, उसके बाद ये मकान मालिक और अभी एक बूढ़ा। इनमें से केतन ही मुझे ठीक लगा, हालांकि मकान मालिक उसे पागल कह रहा था, पर मुझे लगता है मुझे उससे मकान मालिक के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये सोचकर ध्रुव उठा और बाहर निकल गया और वो पहली मंजिल पर चला गया। वहां आते ही ध्रुव की नजर केतन पर पड़ी, जो सभी दरवाजों के दरारों में लापता लड़की की सूचना वाले पेपर को डालते
जा रहा था, बिना ये सोचे कि अंदर कोई रहता भी है या नहीं। ये देखकर ध्रुव को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, आमतौर पर लापता इंसान के लिए नोटिस ऐसी जगह डाली जाती है जहाँ आबादी ज्यादा होती है, पर ये आदमी इस जगह पर नोटिस क्यों डाल रहा है? ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत की और उसके करीब गया। भाई भाई, मैं लापता लोगों के घर वालों का दर्द समझ सकता हूँ। मेरी मम्मी पापा भी 6 महीने पहले अचानक लापता हो गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं है। ये कहते हुए ध्रुव ने उसका रिएक्शन जानने के लिए उसकी तरफ नजर डाली। केतन ने ध्रुव की तरफ उदास आंखों के साथ देखा और कहा, तुम नहीं समझ सकते और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि कोई मुझे समझेगा। जैसे ही उसने ये कहा, ध्रुव ने इसका फायदा उठाया और अपने फोन में मम्मी पापा का लापता नोटिस उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये मेरे मम्मी पापा हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर भी उदासी के भाव दिख रहे थे। केतन ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, मुझे आपसे सहानुभूति है, पर हम दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। मेरी पत्नी वापस आएगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, क्या मुझे कुछ बताएंगे? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? मुझे नहीं लगता आप मेरी मदद कर सकते हैं, केतन ने लापरवाही से कहा और अपने कागज संभाल लेने लगा। फिर केतन ने ध्रुव की तरफ अपनेपन से देखा और बोला, मुझे लगता है आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये सुनकर ध्रुव ने हैरानी से कहा, मैं यहाँ रहने का पैसा दे चुका हूँ, यहाँ से जाने का कोई रीजन तो बताइए। ये कहते ही ध्रुव ने उसके चेहरे की तरफ डिटेक्टिव की तरह देखा। केतन बोला, पैसे ज्यादा जरूरी है या आपकी जान? इतना कहकर वो ध्रुव के करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, पहले भी यहाँ हत्या हो चुकी है, सब जानते हैं। उसकी बात सुनते ही ध्रुव को लगा उसका तीर निशाने पर लगा है, इसलिए वो भी फुसफुसाते हुए केतन से बोला, मैंने सुना है ये घर भूतिया है, पर इसके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगता है ये अफवाह ही होगी। केतन ध्रुव के और नजदीक आया और बोला, मैं आपको राज की बात बताता हूँ। पहले इस बिल्डिंग का नाम हिम दर्शन होम स्टे हुआ करता था, पर जब यह हत्याकांड हुआ तो बहुत बवाल हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारा पकड़ा नहीं गया। जिन लोगों की मौत हुई वो यहाँ देर रात आते हैं, इसलिए कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए केतन बहुत घबराया हुआ लग रहा था। ध्रुव ने कहा, कैसी बात करते हैं आप, क्या आप भी भूतों पर विश्वास करते हैं? ध्रुव की बात सुनकर केतन ने कहा, पहले मैं भी नहीं करता था, पर मेरी बीवी यहाँ आई और गायब हो गई। ये कहते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। ध्रुव ने तुरंत पूछा, आपकी पत्नी यहाँ क्यों आई थी? ध्रुव को लगा शायद उसे कोई सुराग मिलेगा। केतन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर ध्रुव की तरफ झुकते हुए बोला, मैं तो इस जगह को जानता ही नहीं था, पर जब मेरी बीवी गायब हुई तो पुलिस ने मुझे बताया कि उन्हें शक है कि वो यहाँ आई थी और यहीं गायब हो गई, तो मैं अब उसे ढूंढने और कहाँ जाऊँ? उसकी बातों ने ध्रुव की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। ध्रुव ने पूछा, तो क्या आपको यहाँ कोई सुराग मिला? केतन ने अपना चेहरा खुजलाते हुए अपना मोबाइल निकाला और उसे ध्रुव को दिखाते हुए बोला, मुझे लगता है किसी ने यहाँ उसका किडनैप किया है। तब ध्रुव बोला, भाई गायब होना और किडनैप होना दो अलग अलग बातें हैं। तभी केतन ने ध्रुव को चुप रहने का इशारा किया, उसी तरफ झुककर मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज दिखाते हुए कहा, ये देखो, देख रहे हैं ना, ये मेरी बीबी का टेक्स्ट मैसेज। ध्रुव ने टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे बचा लो। उससे भी अजीब बात ये थी कि मैसेज एक दिन पहले 2 बजे सुबह भेजा गया था। ध्रुव शॉक्ड था, वो सोचने लगा, ओ गॉड, आई एम स्टक इन हेल। इतना कहकर वो ध्रुव के करीब आया। स्टोरी सुनने से पहले आप सभी हमारे चैनल सीक्रेट ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए।